लाइव जुड़ गया आपके साथ मिड इनिंग्स पर और वॉशिंगटन सुंदर को आउट दिया गया, लेकिन उन्होंने रिव्यू लिया है। हालांकि उनकी उसके बाद वो जा भी रहे हैं पवेलियन और रिव्यू शायद उन्होंने इसीलिए ले लिया होगा कि भाई बचा हुआ है तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली पिछले मुकाबले में भी जिस तरीके से हमने देखा था, यानी कि जो पहला वनडे रहा था वहां पर भी जो बैटिंग करी वो थोड़ी सी अलग अंदाज की बल्लेबाजी थी। आज आप देखेंगे तो थोड़ा सा अंदाज फिर थोड़ा सा डिफरेंट उस तरीके से अंदाज था, और ये इन्होंने सिखाया है बताया है कि बैटिंग कैसे करते हैं, जो हम बार बार कहते हैं कि भाई इनकी बल्लेबाजी में आपको वो चीज़ दिखेगी कि आप चाहे ऊपर बल्लेबाजी करवा लो, कभी टीम फंस रही हो लेफ्ट हैंडर आपको भेजना हो तो ये वो लेफ्ट हैंडर है इनको और ज़्यादा, बट ये है कि इसमें गलती टीम मैनेजमेंट की नहीं है क्योंकि थोड़ा सा उनका इंजरी का अलग सा हिसाब किताब रहा है। तो होपफुली वॉशिंगटन सुंदर फिट रहें, इसी तरीके से बढ़िया परफॉर्मेंसेज देते रहें तो बहुत बढ़िया होगा इंडियन क्रिकेट के लिए। लेकिन बाकी की अगर लेफ्ट हैंडर्स की बात करें, आज जो हमारे लाइनअप में थे शिखर धवन, अगेन फिर से आप देखेंगे कि डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली गई आज, तो शुभमन गिल ने भी बहुत डॉट खेली, पर हाँ जो हम बात कर रहे थे कि आज शायद थोड़ा वाकई में आप कह सकते थे कि चैलेंजिंग थी जो है कंडीशंस उस टाइम पर जब बल्लेबाजी के लिए थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ कुछ ओवर ऐसे थे जहां पर इजिली सिंगल डबल रोटेशन स्ट्राइक की जो है वो हो सकती थी, वो नहीं हुई। शिखर धवन ने दो इंस्टेंसेज ऐसे रहे जहां पर 8-8 डॉट बॉल्स लगातार खेली है। शुभमन गिल का हमने बताया था कि 17 डॉट बॉल्स खेली थी उन्होंने, शिखर की बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स हैं, एग्जैक्ट नंबर क्या है वो भी आपको बता देंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर पिछले मैच की तरह इस मैच में भी एक उनका चांस बना, मतलब कैच छूट गया था, बट 49 रन उन्होंने करे, अच्छे लग रहे थे। फिर सडनली वो जो कभी कभी हम देखते हैं कि श्रेयस अय्यर एकदम से मतलब कि शॉट की तरफ चले जाते हैं, वहां उसमें विकेट गिरे हुए थे, वहां शॉट खेलने की जरूरत भी नहीं थी, उससे पहले आप देखिए विकेट गिरा था शायद सूर्या उससे पहले आउट हुए थे तो वहां पर भी वो अपना विकेट फेंक कर ही चले गए, जबकि आप इतने अच्छे मतलब कि लय में नजर आ रहे हैं। बाकी आप देखिए उस समय ऐसा था कि अगर उनकी बड़ी पारी आती, चले 49 उन्होंने किया तो शायद आप और अच्छा बचा सकते थे। मतलब देखो 49 उन्होंने कर दिया, ये होगा कि उनके लिए ठीक हो गया, उनकी कोई उस तरीके की बात नहीं रहेगी, उन्होंने बल्लेबाजी शॉर्ट बॉल पर आप देखोगे अभी भी थोड़ी बहुत चीजें, बट वो रन बना रहे हैं एटलीस्ट, ये कि चलो बाकियों से तो बेहतर रन बना रहे हैं वो, बट हाँ उनको क्या जरूरत थी कि और ज्यादा आज खेलना चाहिए था जब चांस मिल रखा है आपको, मतलब लाइफ है ना कि अब ओडीआई छूटा था भाई, हाथ कैच छूटा, ओडीआई फॉर्मेट है तो आपको कोई प्लेयर को तो जिम्मेदारी लेकर चलना पड़ेगा ना। आप देखिए जिस तरीके से हुडा चल रहे थे, ऋषभ पंत अभी भी अपना विकेट फेंक कर उभी गए आज भी वो शॉट खेल रहे हैं वहां पर, तो भाई ऋषभ पंत का तो आज जो हमने वो इंटरव्यू में जहां पर वो कह रहे कि भाई मैं T20 में मैं ओपन करना चाहूंगा वनडे में, ठीक है जहां पर नंबर है, फिर उनसे पूछा गया उनके तो कह रहे कि वाइड बॉल में मेरा रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है, भाई T20 में तो आपका बहुत खराब है, और एज की अगर बात करें तो एज के साथ आप मुकाबले भी तो देखें अपने 65 मुकाबले और के, फिर आपको लग रहा है कि वो अगर एक चीज कोई पूछ रहे तो ठीक है आपका जवाब आपको शायद थोड़ा सा वो बुरा लगा सवाल जो भी चीज है, बट फिर भी आपकी परफॉर्मेंस तो नहीं रही है T20 में उस तरीके की, तो आप वो भी देखिए। और दूसरा तो मैं अभी इस चीज में भी इंटरेस्टेड हूँ क्या दिल्ली कैपिटल्स से ऋषभ पंत ओपन करते हैं जब उनकी प्रेफरेबल पोजीशन वो आज बता चुके हैं कि कप्तान भी वहां पर तो डिसीजन मेकिंग में किसी और का फैसला नहीं रहेगा, तो ये अब देखते हैं कि ये सिर्फ क्या इंडियन टीम में जगह के लिए बोल दिया कि मेरे को ओपन करना है यहाँ पर, या वो आपको आईपीएल में भी नजर आता है कि वहां पर भी वो ओपन करेंगे, उनके भी फिर उस तरीके से रन नहीं आए, सूर्य कुमार यादव के भी रन नहीं आए, दीपक हुड्डा के भी रन नहीं आए, तो भाई संजू सैमसन ने कौन से गुनाह कर दिए, क्या उनकी गलती है कि वो बाहर ही बैठे रहे, बाकी मतलब हर कोई खेल लेगा कैसे भी खेल लेगा बट वो नहीं खेलेंगे। वॉशिंगटन सुंदर आपको बता रहे हैं कि बैटिंग कैसे करनी है यार, किस तरीके से बल्लेबाजी होनी है, कैसे आप कंफर्टेबल लगोगे क्रीज पर, कैसे रन बनाने, और वो भी उस सिचुएशन में जब बिल्कुल ही नीचे लगे हुए हो, तब जाकर वो आपको इतना बढ़िया बल्लेबाजी कर दिखा रहे हैं। आपके टॉप ऑर्डर की तरफ से कुछ है ही नहीं, कोई गेम अवेयरनेस की बात कर लें, कोई हम बात करें कि हाँ भाई कंफर्टेबल कोई लगा क्रीज पर, कौन लगा आपको? श्रेयस अय्यर के भी 49 रन जरूर आए बट उसमें भी हमने नहीं लगे, हाँ उसके शुरुआत में शॉर्ट बॉल पर मारे जा रहे हैं, एक कैच उनका वहां जो बॉल बीट भी हो रहा था ऐसा लग रहा था कि बाल बच रहे हैं आउट होने से। सुंदर आप देखिए उनके सारे शॉट सिंगल डबल जो उन्होंने किए, मतलब सिंगल जो हम बार बार करें कि आप स्ट्राइक रोटेट वाली चीज वो सुंदर आप करके दिखा रहे हैं, जैसे कि चलिए ठीक है शुरुआत में कंडीशन मुश्किल था पर आप सिंगल डबल तो कर ही सकते हैं, वहां पर भी आप धवन नहीं कर पा रहे थे वो चीज, जो जिस गेंद पर वो आउट हुई उससे पहले वाली बॉल देखिए चलकर सामने आए, अगली बॉल पर भी उसे बल्ला चला दिया। आज देखिए 7 या 8 कम से कम इंस्टेंसेस ऐसे जब वो स्टेप आउट करके जो है मारने गए उनमें से 2 शॉट लगी, और मैं 7-8 में मिस वाली चीज बता रहा हूं, तो बहुत ज्यादा वो भी उन्होंने ट्राई किया बट उसमें भी वो चीज निकल कर नहीं आई थी यार। लेकिन ओडीआई क्रिकेट में ये जो 10-11 ओवर 12 ओवर तक अगर हम बैटिंग देखें स्टार्टिंग में, क्या वो बैटिंग थी? मतलब समझ ही नहीं आया कि आप ठीक है कंडीशन उतनी मतलब आसान नहीं है कठिन है, लेकिन आपके पास जब मौके सिंगल डबल के बन भी रहे थे अगर आप वहाँ पे उसको क्या नाम खेल के वहाँ पे रोटेट कर सकते हो तो वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि चौके छक्के से वहाँ पे रन आ जाएंगे, वहाँ पे स्ट्रगल शुभमन गिल कर रहे हैं, शिखर धवन स्ट्रगल कर रहे हैं, नीचे की तो चलो कहने ही क्या वो तो बात ही अलग है, चाहे वो हम ऋषभ पंत की बात करें या दीपक हुड्डा की बात करें, दीपक हुड्डा ने फिर आज तो पूरा टाइम था, यही तो बात है ना कि पूरा मौका था। अब
अब तो आप उसी पोजीशन पर खेलो, क्या वो देखो आज क्या दिक्कत है? अब वो इक्वेशन हट चुके कि आप वो वाला एज एन एक्सक्यूज बोलो कि नहीं दीपक हुड्डा को तो ऊपर चार में इतनी बात उनकी वनडे में तो यही खेलेंगे, अगर वो खेलेंगे तो एज एन ऑलराउंड ऑप्शन, तो वहां पर भी आप क्या बैटिंग कर रहे हो फिर यार, आप मतलब कभी तो इंप्रेस करो, कभी तो थोड़ा दिखाओ। आज देखिए सुंदर के पास मौका था, सुंदर ने उस दिन भी अच्छा किया, उस सिचुएशन अलग थी, सुंदर ने उस दिन भी पार लगाया, और दीपक हुड्डा की बैटिंग का आप जमीन आसमान का फर्क है जो तरीका जो आपको, ये तो आपके मतलब टॉप ऑर्डर में बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं इसमें सुंदर, उस दिन देखिए जरूरत थी तेज खेलना, 16/32 कर गए, आज संभल के खेलना था, आज भी उनका देखिए तो रन बॉल ही चले वहां पर भी उन्होंने, लेकिन अच्छे शॉट खेले, रन बॉल चले लेकिन सिचुएशन की डिमांड थी वो। अब वही आप हुड्डा जब शॉर्टे में लगाई तो शॉर्टे में प्यारी प्यारी बहुत, वही हुड्डा आप देखिए वो जिससे बल्ला चला रहे हैं सिर्फ ऐसा लगता है, यहाँ पर भी जो एक बार अफ्रीका वाले आज क्या अर्जेंसी थी, ठीक है T20 में 2-4 बॉले उनको मिलती है वहां पे अर्जेंसी समझ में आती है, आज क्या अर्जेंसी थी भाई, आज कौन सी आप पे वो कोई बोल रहा था कि नहीं तेज तर्रार आपने खेलना है, जब आपको मौके मिलेंगे कैपिटलाइज नहीं करोगे तो फिर आप पे बात होगी। भाई ऋषभ पंत का नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है ओडीआई में होगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन भाई सवाल आएंगे, सवाल आएंगे आपकी फॉर्म पे सवाल है, ना कि आपके उस पे फॉर्मेट पे सवाल है, आपकी फॉर्म जिस तरीके से लगी हुई है उस पे बहुत ज्यादा सवाल है, या फिर दीपक हुड्डा हो गए या फिर मतलब अगर सूर्या चली ठीक है अभी उनको कम उस तरीके से मौके, पर उनको भी देखना होगा ओडीआई किस तरीके से खेला जाएगा, T20 वाला उनका अप्रोच बहुत बेहतरीन है उसमें बहुत अच्छे करते हैं, पर ओडीआई में भी आप देखिए अय्यर ठीक है वो गलतियां कर रहे हैं फिर भी रन आ जा रहे हैं उनके पास प्लस चीज यही है। हाँ, उनको प्लस, हाँ, देखो पिछले मैच में आई थिंक एक तो टॉम लैथम ने पीछे हाथ से कैच निकल गया था, वो जंप करके उन्हीं के कैच थे वो शायद जो यानी कि फर्स्ट वनडे में था लैथम ने कैच, तो वो चांसेस बन जा रहे हैं, बट उनके अगेंस्ट ये स्ट्रेटेजी थ्रू आउट सबकी रहेगी कि शॉर्ट बॉल, और वो पीछे हटते ही नहीं है, पीछे हटना मतलब कि वैसे पीछे नहीं हटना, मतलब वो उस पर बोलते कि मैं भी मार के दिखाऊंगा, तो वो बाकी कुछ उस पर उस तरीके का काम उस तरीके से नहीं नजर आ रहा है, बट आपके अभी रन है आप ठीक है, जब तक वो रन बनते रहेंगे आपका हो जाएगा, बट उनको भी बेहतर और ज्यादा और आज आज आगे ले जाने चाहिए थे उस टाइम पर उस सिचुएशन पर उस तरीके की जो शॉट उन्होंने खेली। और दूसरा न्यूजीलैंड को क्रेडिट है, आज हम बड़ी तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इधर की उधर की, ये है वो है, डेरिल मिचेल ने कितना बॉल डाला है बीते कुछ टाइम में, आज सिचुएशन के अकॉर्डिंग डेरिल मिचेल को उन्होंने आइडेंटिफाई करके दिया और उन्होंने क्या ओवर करके दिए आपको, तो ये भी फर्क देखो कि भाई दूसरी टीम्स की क्या है ऑप्शंस, किस तरीके से हैं, कैसे वो यूटिलाइज कर रहे हैं, आज उनकी जो हमारी जो टीम की चेंजेस रहे हैं दोनों तरफ का आप टीम देखो चेंज कैसे रहा है, हमने पहले मैच में स्टार्ट करे 5 बॉलिंग ऑप्शन से, फिर हम बस ये ले आए कि 6 बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए, हम ले आए उनको 6 बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर, आज न्यूजीलैंड ने क्या किया है उनको ब्रेसवेल को डाल के मिलने को लाए, पिटाई उनकी हुई जबकि फिर भी ले आए उनको, क्यों ले आए क्योंकि विकेट को विकेट, हाँ। कि भाई यहाँ पर एक फास्ट बॉलर काम आएगा जो कि रहा भी, और एडम मिल ने बहुत अच्छी कोई गेंदबाजी नहीं करी, उनको विकेट मिल गई थी शुरुआत में जो शायद शुभमन गिल की मिली, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि वो उनको विकेट मिल गई, बट बॉल डाला यार असली मैट हेनरी ने और टिम साउदी ने, उन्होंने डाला बॉल ऊपर से उन्होंने, प्रेशर ऐसा बना दिया उन्होंने, उन दोनों पर भी प्रेशर बना दिया और बाहर भी प्रेशर बना दिया कि भाई यहाँ बॉल यहाँ बॉल ऐसा हो रहा है आज अब देख लो कैसे करके रन बनाओगे, फिर डैरिल मिचेल को लेकर बॉल देखिए बॉल यार डैरिल मिचेल ने आउट किया ऋषभ पंत को भी शॉर्ट बॉल, ये शॉर्ट बॉल खेलने की जरूरत ही क्या थी, आप देखिए ऋषभ पंत वाला शॉट, शिखर धवन वाला शॉट, इसके अलावा अय्यर वाला शॉट, ये तीनों पर उन्होंने विकेट फेंक की है, दूसरी में मतलब उन्होंने अब ये भी देखो ना कि ऋषभ पंत डैरिल मिचेल पर आउट हो रहे हैं अभी, ये भी एक सिचुएशन है कि भाई जो और साउथ इंडिया आउट किया ना हेनरी ने, उतना उन्होंने बॉल कराया बीते कुछ टाइम, और वो है कि उनकी आप 11 देखो उनकी आप स्ट्रेटजीज देखो, हम हर जगह पर ही बस मतलब हमने नाम के नाम पर वो चेंजेस हो रहे हैं कि जी अब बस 6 बॉलिंग ऑप्शन हो जाएंगे, आज अब दीपक हुड्डा की बैटिंग ने तो फिर निराश ही किया है, अभी दीपक हुड्डा बॉलिंग से अब क्या उस तरीके से जो भी चीज इतने ज्यादा रन है कि आप शायद उनसे बॉलिंग नहीं करवाओगे, प्राइमरीली चीज ये ना कि दीपक हुड्डा की पहले आपको बैटिंग चाहिए होगी फिर बॉलिंग है, वो ये थोड़ी कि बस ओवर डाल दूंगा मैं, नहीं भाई बैटिंग पहले चाहिए वो, फिर बॉलिंग वो तो उस हिसाब से आप टीम में बनते ही नहीं हो फिर, हाँ। कि आपका आप प्राइमरी रोल तो बैटिंग बैट है ना भाई, नहीं करोगे आप कुछ कहीं पर, वो तो दो चार ओवर थी यही तो सिचुएशन थी, वो तो जरूरत पड़गी तो डलवा लिया, वो तो एज अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन है ना, ऑप्शन मतलब कि आपसे जरूरत पड़ेगी तो डलवाएंगे, अब आप बैटिंग में भी उस तरीके से नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा, रोहित शिखर धवन का वही फिर से हमने देखा कि बाउंड्रीज तो आई है लेकिन फिर वही डॉट बॉल से डॉट गया, मैं देख रहा था जो पहले 27 ओवर में अगर आप 109 बॉल डॉट खेलोगे, 184 बॉले डॉट खेली आज के मैच में, मैं तो पहले वही जो हम बार बार कह रहे ना कि पिछले 33 ओवर में अगर आप देख लो उसमें भी हमने बताया था कि मतलब 25 ओवर के करीब आप वैसे ही खेल रहे हो, एक पैटर्न आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इंडियन टीम कहाँ स्ट्रगल कर रही है, कि जहां पर सबसे ज्यादा रन आने चाहिए, जहां पर हम देख रहे हैं कि क्रिकेट बदल रही है वहां पर हमारी टीम और ज्यादा पीछे जा रही है, तो अगेन वही शुभमन गिल का भी ये दौरा भी खत्म हो चुका है, अगेन वही हमारी तलाश वही की वही है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छे रन शुभमन गिल के नहीं है, देखने क्या इंतजार अभी भी रहेगा,
शिखर धवन की, बट आई थिंक मैं शुभमन गिल से मुझे कोई उतनी शिकायत नहीं है कि अच्छे रन और बड़ी टीम और ये वो, ठीक है वो अच्छा कर भी देंगे और उन्होंने जो अभी किया है ठीक है, एक ही तो उनकी इनिंग्स वैसे गई है ना ये खराब, रन्स तो रन उन्होंने ठीक करे, और दूसरा है कि आज मतलब आज जो चाहे शिखर धवन को भी अगर उस शुरू में वक्त लेते कुछ लेते तो जो कंडीशंस देखी है वो कंडीशंस थी अच्छी कि, और बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, आप डॉट बॉल्स भी मैंने चलो जब दो या तीन ओवर हुए थे सुनील हम लाइव ही थे, मैंने कहा कि चलो आज फिर भी एक रहेगा कि आप, बट जो उसके बाद की बैटिंग हुई कि क्योंकि बात क्या है कि आप सिचुएशन को अगर कंडीशन को आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपकी गेम में ये चीज़ नहीं दिखती कि आप या तो रोक रहे हो या फिर घुमा रहे हो, अगर कंडीशन इतनी अच्छी तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए स्ट्राइक रोटेशन दिखाओ ना, दो तीन ओवर बाद वही मैं कह रहा हूँ, दो तीन ओवर बाद देखिए धवन से घुमा रहे थे बल्ला, हाँ, मतलब वो आप ट्राई कर रहे हो, वो आपका प्रेशर वो ऐसा बन गया कि भाई डॉट बॉल हो गई तो रन मारू चौका मारू छक्का मारू, तो आपकी आज कंडीशंस अच्छी थी, आज बॉलिंग के लिए अच्छी भी थी कंडीशन, बॉलिंग अच्छी भी हुई है, टिम साउदी और मैट हेनरी ने बहुत अच्छा बॉल डाला वहां पर, शुभमन गिल को तो बहुत ज्यादा उन्होंने परेशान किया, बट शुभमन गिल का टास्क है कि भाई जहां पर बॉल ऐसे मूव होगा वहां पर भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं बेटर, आज बस एक ही गेम उनकी खराब हुई, तो बहुत ज्यादा मुझे कोई शुभमन गिल खराब और अच्छे की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बड़े रन की आपको तलाश थी उनकी, देखो अभी यार अगर वो इतने रन बना रहे हैं, इतने रन अगर उन्होंने बनाए पिछले मैच में नॉट आउट रहे उससे पहले 50 करें तो ये सेम ही टीम थी ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो बांग्लादेश थी वो जिम्बाब्वे थी, तो अब ये भी है कि 100 भी आ जाएगा, थोड़ा उनको भी तो वक्त चाहिए, बाकी को तो वक्त मिला हुआ है, ठीक है उनको भी, उनके लिए लेसन है, उनके लिए मैं ये मानूंगा कि आज की एक सीख है, ये कंडीशन फेस करनी पड़ेंगी आपको, ये उनको रन करना, सामने वाला तो आपका स्ट्रगल कर ही रहा है लगातार, और चाहे जो कमजोर टीमों का कैलेंडर किसने मार दिए, शिखर धवन का जो पूरा स्ट्राइक रेट है वो 75 का है, हल्का और गिरा होगा, तो पूरे साल में आप देखिए कि जो 65 के करीब है, जो हम सवाल कर रहे थे वो जस का तस है, नहीं शुभमन गिल को ये कि बेटर आना होगा और ज्यादा कंसिस्टेंसी, क्योंकि उनको बाहर से अंदर आना है भाई, एग्जैक्ट वही मेरा पॉइंट है कि करना होगा, लेकिन मतलब नहीं देखिए शुभमन के साथ फिर भी अगर अपना अलग लेकर चलना पड़ेगा कि भाई बाकी जो कर रहे हैं कर रहे हैं, जो उन्होंने वेस्ट इंडीज में भी किया, पर उनकी जो एज है जो फिर भी रन है उनके साथ प्लस है, उनके लिए बढ़िया ही किया यार उन्होंने, उनके साथ प्लस है, दिक्कत है शिखर धवन को लेकर, देखो ना ऐसा है कि उन्होंने बस जिम्बाब्वे को ही मारे हैं, बस जिनको साथ खेले उनमें से बाकी ने क्या किया था, नहीं वही है सवाल यहाँ ज्यादा रहेंगे शिखर धवन पे, क्योंकि आप देखिए उनके साथ थोड़ा सा एज वाला भी मामला रहेगा, साथ वो तो उनके तो सवाल है ही है, स्ट्राइक रेट भी है, क्योंकि अभी ये है ना कि जो हम लोग कल बात कर रहे थे कि अब जो नई टीम जो मतलब पुराने खिलाड़ी फिर से आएंगे, शुभमन गिल तो है ही नहीं, अगले शिखर धवन और रोहित शर्मा सीधे एंटर कर जाएंगे अगली सीरीज में, शुभमन गिल है ही नहीं, ये मेरे को समझ नहीं आया क्यों नहीं है, बताओ उनको कौन सा रेस्ट चाहिए, अब वो आपके यही तो आपके सेलेक्टर्स की सोच है, वो चुनकर चले गए हैं बस आखिरी टीम अपनी, और तो ऐसी हवा में चुन के चले जाते हैं क्या, इनको तो वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कैरी करना चाहिए था वहाँ पे उनको, तो वही हम कल कह रहे थे ना, चाहे वो डिसीजन तो यार आप वैसे भी ले सकते हो कि यार सिराज ने T20 में अच्छा बॉल डाला, हम उसको रोक रहे हैं अपने साथ, कोई वर्ल्ड कप का थोड़ी कि 15 ही हो गए या फिर दो टेक्निकल कमेटी को कुछ, तो ये थोड़ी सी आपकी सोच भी रहनी चाहिए ना कि आप करना क्या चाह रहे हो, आपको जब नहीं ही करना है आप बस चल रहा है चलो जी चल रहा है चलता है एटीट्यूड हो रहा है, आपका नाम यहीं तक था तो यहीं तक है, वहां नहीं है तो जी नहीं है कोई बात नहीं जी हो जाएगा, वैसे थोड़ी होता है, अर्जेंसी तो दिखाइए कुछ, कुछ पता तो चले सेटअप में हो रहा है, कुछ चीजें करो डिफरेंटली, कभी नहीं भी रोका अगर किसी गेंदबाज को तो रोको एक बार ही, उसको बोलो कंटिन्यू कर, जो अच्छा कर रहा है कम से कम उसे तो दो चांस, मैं कह रहा हूँ जब तक इनको झटके नहीं मिलेंगे, झटके मतलब ऋषभ पंत की बात कर लीजिए या आपको मतलब कि भाई इनको भी तो वैल्यू हो ना चीज की, भाई इनको वैल्यू ही नहीं है, आज जिस तरीके से ऋषभ पंत ने बोला ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी जगह की वैल्यू नहीं है, भाई वो खेल रहे हैं ठीक है, नहीं, 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 वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी मैं 24 साल का हूं, मैं जब 30-32 में 24 साल में आप 16 साल में करियर स्टार्ट हो जाता है क्रिकेटरों का, 16-17 साल में खेल जाते हैं, 24 साल में आपने 65 मैच खिलाड़ियों ने कितने मैच खेले आपने कितने मैच खेल लिए 24 साल में 65 मैचों में आपका वो उठा के देखो तो आप जीरो नजर आता उस तरीके से आपका T20 परफॉर्मेंस, फिर आप बोल रहे हो कि 24 साल मुझे ओपन करना, ओपन में भी उनके भी उस तरीके से रन नहीं आए 5-6 मैच ओपन में, तो मैंने तो जैसे बोला कि मेरी पहली चीज रहेगी आईपीएल में नजर, कि क्या आईपीएल में ओपन करते हैं आप या फिर ये ओपन वाली बस की यहाँ इंडिया की टीम में है कि ओपन करना है वहां पर और ओपन करना चाहता हूँ, वहां पर तो कप्तान भी है, वहां पर करें तो वहां की परफॉर्मेंस हो तो बिल्कुल मैं बोलूंगा कि आप ओपन करिए, आईपीएल में करें ओपन और रन बनाए हुए वहां पर फिर मैं बोलूंगा बिल्कुल करें आप ओपन T20 में, तो ये चीज देखते हैं वही चीज वहां पर, आप इंडियन टीम वहां पर आप डेविड वॉर्नर पृथ्वी शॉ को हटा के करते हो वहां पे बोलेंगे, वहां पे ये बोलेंगे कि दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स अलग है इंडिया की रिक्वायरमेंट, इंडिया की रिक्वायरमेंट रखो पहले आप तो कप्तान हो, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट रखा जाएगा, खुद की रिक्वायरमेंट भी है ना, अगर आप इतना ही बेहतर समझ रहे हो कि मैं ओपनिंग पोजीशन पर इतना बेहतर इंडिया के लिए कर सकता हूं तो क्या आप दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं कर सकते, आप करिए कि पृथ्वी शॉ या तो वन डाउन कर दीजिए या डेविड वॉर्नर को बोले कि वन डाउन करिए, ये थोड़ी कि आप जो नेट प्रैक्टिस की तरह आप यहां के करोगे नहीं, यहां को ट्राई करूंगा मैं, आपको ट्राई करना तो वहीं ट्राई करिए, बिल्कुल
वो चीजें, लेकिन और वहां पर आप परफॉर्म करोगे तो अपने आप बात होने लग जाएगी, जिस जो आईपीएल में जहां जिस जगह पर परफॉर्म करता है उसके अपने आप बात होने लगती भाई है। दुनिया भर के फिर आपको कुछ बोलना ही नहीं है, और पर वो भी रहेगा। देखिए अब टीम की लोग, जैसे आज का जो मुकाबला था, अब पहले वाले में हम 300 मतलब उस पिच पर शायद 300 से ऊपर होने चाहिए थे, जो हम 300 पहुंचे, लेकिन और बड़े टोटल चाहिए था वेलिंगटन में, हाँ वहां पर भी। इसके अलावा आज का जो मैच देखिए, हमने अभी देखा कि जो इंग्लैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड की मेन टीम नहीं थी, फिर भी वो गिरते पड़ते भी 200-300 आराम से पहुंच 300 तक जा रहे थे। मतलब आज भी, मतलब जैसे जो हम कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स के लिए असिस्टेंस भी थी, विकेट भी अच्छा था, चलो आपके ऊपर विकटें भी गिर गई थी, आप 280 तक तो जा सकते थे। आपकी तो बैटिंग, आज हम जो बात करें बैटिंग भी नीचे तक ही है। वॉशिंगटन सुंदर भी देखो इतनी अच्छी बैटिंग करके, आपके पास सबसे अच्छी बैटिंग करके वॉशिंगटन सुंदर गए हैं यार, दोनों मैच में आपको बचा लिया स्कोर, मतलब एक वैसे सम्मानजनक जिसे बोले कि पहुंचा दिया, वहां भी 300 नहीं जा रहे थे, लेकिन भाई यहां तो 200 के अंदर सिमट जाते हैं। सातवें नंबर का बल्लेबाज, आपकी छठे नंबर का बल्लेबाज ऐसी बैटिंग कर रहा है, और नंबर चार के पांच के क्या कर रहे हैं फिर आपके, ये छठा नंबर क्या कर रहा है, पांच नंबर क्या कर रहा है, यही तो दिक्कत है कि हम दूसरा, जब हमारे जो नए खिलाड़ी भी जब वो मेन टीम में आते हैं तो ये करते हैं कि फिर पुराने खिलाड़ियों को लाना पड़ जाता है इनको, ये भी तो सवाल है। ऋषभ पंत तो खैर अभी उनकी फॉर्म ही ऐसी चल रही है, सूर्या को लेकर भी थोड़ा रहेगा कि ओडीआई में क्या सूर्या को लगातार कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनकी अब उनके साथ वही है कि T20 में जबरदस्त फॉर्म है उनकी, वो खेलते हैं तो लगता है यार ये इनके लिए थोड़ा बहुत चल जाएगा, इनको खिला देगा, मैं फेल भी हो जाएगा। सूर्या वहां पर भी नहीं है, और सूर्या वाला तो जो हम कह रहे हैं कॉम्पिटिशन जो है वहां पर, सपोज श्रेयस अय्यर, केएल, फिर वो है ना कि वो तो ऋषभ पंत के नाम पे भी स्लैश लग जाएगा फिर इस तरीके से रहेगा, तो क्योंकि श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल अभी लग रहे हैं। देखिए ऋषभ के भी रन अगर देखे ओडीआई में जो उन्होंने बोले कि हमारे अच्छे रन है, वो शतक ही है उनका बस, इंग्लैंड वाला नहीं, उससे पहले उनके रन थे जैसे 80-70 भी आया था इधर, क्या नाम, इंग्लैंड वाली सीरीज में भी अच्छा किया था, मतलब ठीक है, नहीं अच्छे रहे तो बुरा हाल है, वनडे में फिर भी ठीक है, बट दो आपके यहाँ पर अब वो हो गई है, फेलियर्स रह गए हैं भाई। जिस तरीके से ऋषभ पंत आउट हो रहे हैं, पिछला हमने डिसमिसल देखा, आज का हमने डिसमिसल देखा, वो बॉल मतलब क्या थी उस तरीके से, आप पुल पे मतलब शॉर्ट बॉल पे उस तरीके से आपको दिक्कत हो रही है, बहुत पेस रही होगी, वो कितना तेज बॉल करते हैं, पिछला डिसमिसल इतनी बाहर की बॉल पे आप वहां पे मारने का शॉट खेल रहे हैं, तो भाई ये भी तो देखनी पड़ेंगे ना कि आप आउट किस तरीके से हो रहे हैं, आपकी फॉर्म क्या लगी हुई है। आपने वनडे में कर लिया ठीक है, लेकिन आपके मेन जो मुद्दा है, वो जो दिक्कत है, वो फॉर्म है आपकी, तो इसके अलावा मुझे लग रहा दीपक हुड्डा के लिए बड़ा मुश्किल है कि अब अगले आने वाले ओडीआई में मौका मिले, ओडीआई में तो अब फिर ये कि देना भी नहीं चाहिए अब यार, अब आपके बाकी के जो ऑप्शन है, अब वॉशिंगटन सुंदर है, आप जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक को खिलाओ फिर साथ में, वो भाई जडेजा ऊपर बैट कर लेंगे वहां पर, यार इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, इतनी अच्छी बॉलिंग भी कर रहा है, आपको ना बॉलिंग में डाउट रहेगा ना बैटिंग में डाउट रहेगा, और बढ़िया ही रहेगा ऑप्शन। अभी तो हुड्डा के साथ बॉलिंग का डाउट है, आप उनको नहीं बॉलिंग करवाते, कभी कभार करवा देते हो जब सिचुएशन, बैटिंग में परफॉर्मेंस आई नहीं रही है, बैटिंग आज स्कोर कम है, करवाएंगे आज, आज कहां, आज तो मुश्किल ही, आज भाई तो करवाओ चाहे ना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि करवाओ, आप 3-4 ओवर दे दें, अच्छे भी दे दें, 5 ओवर दे दें, अच्छे विकेट भी ले लें, बट बैटिंग जरूरत क्या है, पहली चीज क्या है, बैटिंग है, रविचंद्रन अश्विन की तरह वाला चीज हो जाएगी, फिर वो उसका उतना मतलब नहीं बनता ना फिर यार कुछ, और ऐसे खिलाना कि थोड़ा कुछ तो बहुत है, फिर शार्दुल ठाकुर खेल लें यार, शार्दुल ठाकुर खेलने अगर ऐसे ही खेलना है, यहाँ तो वो फास्ट बॉलर को असिस्टेंस रहती, जो देख रहे हैं हम, जिस तरह देखा डेरेन मिचेल ने भी इतना अच्छा बॉल डाला है, तो शार्दुल ठाकुर खेल लेते फिर, तो फिर वो भी सारी की सारी चीजें, बट वो ये कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस वैसा ही रहा, बैटिंग आज भी 20 ओवर में शायद 90-95 कुछ इसी तरीके के रन लगे हुए थे, शुरुआत में बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स थी, और उसी तरीके से जो बता रहे थे कि एक बार एक डॉट बॉल्स का आपको बता दें कैसे रहा है, शुरुआत के 10-12-13 ओवर तक तो मैंने नोट ही किया था किस तरीके से चीजें चली हैं, 44-45 के आसपास ऐसे कुछ, पहला ओवर है, एक डॉट यहां पर शिखर धवन ने एक ही डॉट खेली थी, शुभमन गिल को 4 डॉट बॉल हुई थी, फिर अगले ओवर में 4 डॉट बॉल शिखर धवन थी, फिर उसके अगले ओवर में 2 डॉट शिखर धवन, 2 डॉट शुभमन गिल, फिर 3 डॉट शुभमन गिल, 2 डॉट, सॉरी 3 डॉट शिखर धवन, 2 डॉट शुभमन गिल, यानी कि 5 डॉट बॉल इस ओवर में, फिर अगले ओवर में 6 डॉट है शिखर धवन की, फिर अगले ओवर में 2 डॉट शिखर धवन, 3 शुभमन गिल, ये शायद 8 बैक टू बैक डॉट बॉल्स हो गई थी शिखर धवन की, फिर 4 डॉट शुभमन गिल, फिर 3 डॉट शिखर धवन, 2 डॉट शुभमन गिल, और आउट हो गए थे यहाँ पर वो 2 डॉट और प्लस आउट भी हो गए हैं, फिर श्रेयस अय्यर आते हैं, फिर इसके बाद शिखर धवन फिर से 6 डॉट बॉल, फिर दोबारा 2 डॉट बॉल, फिर दोबारा ये 8 डॉट बॉल हो गई थी, और फिर यहाँ पर भी जो सिंगल गया था आपको याद होगा मिसफील्ड पर गया था, जो अगेन वो भी डॉट बॉल होती, फिर अगले ओवर में चलो श्रेयस अय्यर आ गए थे, उनका भी उस तरीके से काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, फिर 3 डॉट जो है इस तरीके से रही थी वहाँ पर शिखर धवन की, और वो आउट भी हो गए थे, तो ये उनकी भी इनिंग्स रही थी, उन्होंने एक छक्का भी मारा, चौका भी मारा, बट आप देखेंगे स्कोरिंग शॉट्स कम थे और डॉट बॉल्स ही ज़्यादा रही थी, टोटल अगर इनकी डॉट बॉल्स मिलाकर देखें तो 3, 2, 5, 11, 14, 16, 22, 25, 27,
और 32 डॉट बॉल्स इनकी भी रही हैं। कितनी बॉलों में खेली? आई थिंक कुछ इन्होंने कितनी खेली है टोटल, 60 के करीब खेली है। वो मैं देख रहा था, स्कोर देख रहा था, उधर ऋतुराज का शायद शतक हो गया। इधर इनके क्या हुआ था, इनका बताया ना कि इन्होंने टोटल बॉल कितनी फेस करी थी? 45 में से देखो 32 डॉट है, एक छक्का, तीन चौके, एक छक्का। हाँ, तो मतलब चार स्कोरिंग शॉट हैं, तीन चौके, मतलब 12 छक्के, 18 रन तो यही हो गए चार बॉलों पे, बाकी 8 बॉल में बाकी रन ना, मतलब तो ये भी बहुत, मतलब ये नहीं, वही दिक्कत है जो T20 में हो रहा था। रोहित शर्मा वहां सिंगल नहीं ले रहे, बाउंड्री चौकी छक्के मार रहे हैं, बॉल आप देख रहे कि लगता था यार बड़ा अटैकिंग कर रहे हैं, पर होता था कि 15 गेंदों पर वो भी पहुंच जा रहे थे क्योंकि चौके आ रहे, फिर लगातार 3-4 बॉल डॉट हो रही थी। वही चीज अभी रोहित शर्मा के साथ ही है, वही चीज सुमन गिल के साथ नहीं, शिखर के साथ है, सुमन गिल के साथ भी हुई है, पहले वाले में भी वही हुआ था, बीच वाला जो नहीं हो पाया उसमें तो अच्छा कर रहे थे, आज भी वही हुआ उनके साथ, शुरुआत में वो भी लगातार बीट हो रहे थे। नहीं उसमें, उसमें दूसरे वाले में तो भाई 4 ही ओवर 5 ओवर पड़े थे शुरुआत में, फिर बारिश हो गई, जब पता लगा छोटा है फिर आप तेज खेलने लगे, तो ये भी एक वो रहता है। बट वही है ना कि यार आज उस तरीके से काम चलेगा नहीं, और ये चीज़ें थोड़ा सा ऐड करेंगी। अब बांग्लादेश सीरीज में सपोज फिर से शिखर की उतनी बेहतर नहीं जाएगी अगर सीरीज, तो फिर दोबारा बात तो होगी ना, उस तरीके से बात भी होगी। और आज जैसे मेरे को लग रहा था कि अगर चलो कोई बात नहीं, अगर आप शुरू में थोड़ा वक्त भी लो, क्योंकि अच्छी भी बॉलिंग कंडीशन थी, अच्छी बॉलिंग भी हो रही थी, थोड़ा वक्त लो, बट फिर उसके बाद वो मुझे पसंद नहीं आया कि या तो शॉट चल रही है या तो फिर मिस हो रहा है, शॉट और मिस। जिसपे अगर आप सिचुएशन की मतलब कंडीशन की रिस्पेक्ट ही कर रहे होते हो तो आप घुमा थोड़ी रहे होते हो कि निकल निकल के बस मारा ही जा रहा है और ये हो रहा है, आप सिंगल डबल पर फोकस ही नहीं कर रहे होते हो, आपको जहां लगता है कि एक डॉट हो गई, दो डॉट हो गई, तीन डॉट हो गई, फिर आपको लगता है कि मार दो चौका है छक्का, तो वो चीज इंडियन टीम के साथ हर जगह ही प्रॉब्लम है, T20 क्रिकेट में भी बन रही है, वनडे में भी बन रही है। तो ये अगर ये इंटेंट और अप्रोच का हिस्सा ये थी कि भाई हम शैकल्स को ब्रेक कर, ये तो कोचिंग की किताब में होता है, ये तो सिर्फ लिखा होता है कि भाई ये तो बेसिक चीज है, ये क्यों नहीं फॉलो करते लोग। अब ये शॉट खेला था, इसमें क्या छक्का तो जाता नहीं है, अरे बहुत ऊपर थी बल्ले हाइट से। जबकि आपको पता है यार, 3-3, 4-4 विकेट गिर चुके हैं, 100 रन के करीब अभी आपका स्कोर है, ये भी 10 कितने 16 बॉल इन्होंने भी खेले, 16 बॉल इन्होंने भी खेली, पिछली बार भी 16 खेली थी इन्होंने, कुछ 16 पे 6 बनाए थे, कितने कुछ ऐसे ही बनाए थे यार। इनको वही है ना, क्या बोले कि इनको पता है कि भाई हम तो हैं टीम में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इनकी अप्रोच है। और ये कब तक रहेगी भाई, उसकी चक्कर में और खिलाड़ियों के करियर खराब हो रहे हैं, और खिलाड़ियों की एज बढ़ती जा रही है, और खिलाड़ियों पे वो कि भाई तो बता दो ने, और अब आप कह रहे हैं अब आपको ओपन मार दिया वहां पर, वो तो डेली मार रहे हैं सब, वो तो मारते रहेंगे, बट वो ओपनर है भाई, वो तो मिडिल ऑर्डर में कहीं अभी पीछे 500 ओपनर है ना ऋतुराज, अच्छा उनको तो मिडिल ऑर्डर में कहीं जगह बनाई, अभी पीछे नंबर 5-6 पर कहीं ऋतुराज का कुछ करवाइए, वो पिछली बार भी 4 शतक मारे, यही होगा ना, जो ओपनर है वो मिडिल ऑर्डर में खेल ले, जो मिडिल ऑर्डर में है वो ओपन कर ले, वो कहीं पर भी खेल ले, पर कर ले कुछ। अरे अभी बीच में भी तो मारे थे इन्होंने, 4-5 एक साथ मारे थे शतक, ऋतुराज विजय हजारे में थे शायद, हां विजय हजारे में, वो भाई रन मारते ही मारते हैं वाइड बॉल में, और उसके बाद भी फिर वो घूम के आ जाते हैं वापस। पिछले 2-3 साल से तो उनका ऐसे ही चल रहा है सारा का सारा, 209 मार दिए थे पहले, फिर अब मार दिए उधर कर्नाटक की, जो हालत खराब है 82 पर 5। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, देखो ऋतुराज वहां खेल रहे हैं, लेकिन जो आपके पास असला बारूद मौजूद है आप उनको ही उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हो, हैं जो आपकी टीम में है, जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनका पता नहीं क्या है, उनको आप नहीं खिला रहे उस तरीके से। मनोज संजू बॉल भी करने वाले लग रहा है बैटिंग तो करवा दो पहले उन्हें, नहीं अब वही ऑप्शन रह गया बॉल भाई, मैं सोच रहा हूं एज एन ऑलराउंडर क्या पता ले ले मुझे, क्या पता बॉल से अच्छा कर दे, फिर हुड्डा को ले सकते हैं तो मुझे भी ले लें, क्या पता तो बॉल से क्या पता कर दे। तो ये कौन सी फोटो क्लिक हो रही है, टूर फोटो जो लास्ट में हो जाती है, तो ये तो बाद में होनी चाहिए ना मैच के, ये टाइम नहीं इनके पास, फ्लाइट व्लाइट होगी बात ही है, फ्लाइट है थोड़ा अर्जेंट, किस चीज का फोटो खिंचवा रहे हैं। एक तो वही है ना मेन चीज, वही है कि ओडीआई एक तो थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है इस तरीके से, बोरिंग तो नहीं हो रहा है भाई, आपकी टीम बोरिंग खेल बोरिंग रही है, बोर होता जाएगा, बोरिंग खेल रही है, बोरिंग नहीं हो रहा है ओडीआई, अभी आप देखना इंग्लैंड खेलेगी तो आपको बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, अभी तो इससे बेहतर तो मुझे वो लग रही थी सीरीज जो उनकी पहला मुकाबला हुआ था, अफगानिस्तान और श्रीलंका का जो हुआ था, तो अफगानिस्तान ने तो वो ज्यादा बेहतरीन लगा था वहां पर, मजे बांध लिए, आपकी टीम ही ऐसा खेल रही है कहीं भी हो। चलो आज जैसा आप बोल रहे हैं कि कंडीशंस ठीक है भाई, कंडीशंस आज आपके अनुकूल नहीं थी, लेकिन पहले ओडीआई में क्या हुआ,
पहले ओडीआई में भी आपने यही किया, दूसरे ओडीआई में भी बारिश हो गई भाई, कंडीशन देखो कंडीशन ठीक है, ऊपर आपके बैटर उस तरीके से खेल गए, उसी कंडीशन में तो सूझ बूझ के सुंदर ने बनाया ना कि क्या कंडीशन है ये। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अलग अलग कंडीशन देख रहे हो, उसने मारने के टाइम मारा भी, उसने स्ट्राइक रोटेट करने के टाइम स्ट्राइक रोटेट भी करी, वो हमेशा उसने डॉट बॉल के टाइम पे डॉट बॉल भी करी, रन और बॉल्स के बीच में 7-8 गेंदों का अंतर है, और आज 20 रन है तो 28 गेंदे खेली हुई है, लेकिन उसने लगातार अपनी पारी को आगे बढ़ाया ना, अल्टीमेटली उसने रन दिए हैं आपको, 50 रन से ऊपर दिए हैं, स्ट्राइक रेट भी कोई खराब नहीं है। यार तो वो लग रहा है कि यहां से जो कल हम हार की हैट्रिक कर रहे थे तो अभी तो मुश्किल ही है उसका, अब आपको मतलब ये है ना कि आपके पास देखो बॉलिंग लाइनअप भी थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है उस तरीके से, आपके उमरान अर्शदीप दूसरी दूसरी मतलब गेम में बॉल डाल रहे होंगे, पहले वनडे कर नहीं पा रहे, यूजी का भी उस तरीके से नहीं चल रहा, आपके पास दीपक चहर की ऑप्शन रहेगी आज, और मतलब अब थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा कि लेंथ थोड़ा सा पीछे गुड लेंथ टाइप यहाँ पर ऑपरेट करो तो ज्यादा बेटर है इस विकेट पर, ये भी मेरे ख्याल से ड्रॉप इन विकेट ही थी यहाँ पर भी, जब ट्राई सीरीज भी हुई थी आपको याद होगा जो शुरुआत की विकेट थी वो थोड़ी सी डेड टाइप थी, स्लोविश टाइप थी, बहुत ज्यादा रन नहीं बन रहे थे जब ट्राई सीरीज हुई थी, जब दूसरा लॉट दो विकेटों पर हुआ था, जब दूसरा आया था तो रन ज्यादा बने थे, तो ये भी ड्रॉप इन है, और यहाँ पर वो आपको देख रहे हैं कि लेंथ पर ऑपरेट करने पर ज्यादा मदद मिलेगी रादर बहुत ज्यादा फुल जाने से, तो आप थोड़ा सा जो अगर सऊदी का हम पहले ही ओवर उठा के देख लें लेंथ बॉल बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी, तो भाई एडम मिल को तो विकेट मिल गई, एडम मिल ने तो प्रेशर रिलीज करवा दिया था वहां पर एक तरीके से, उसके बावजूद भी उनके ओवर्स ऐसे रहे कि रन वन आ रहे थे, बट उन्होंने डाली, डैरिल मिचेल ने डाली यार कम पेस पर बिल्कुल आकर बॉल डालते रहे, पहले मैच से क्या बॉल डाल रहे हैं यार वो, हेनरी ने जो पिक कर रखी पहले वाले भी उन्होंने बिल्कुल रन ही नहीं दिए थे पहले वाले में भी, हेनरी हाँ मैट हेनरी ने बहुत ज्यादा मतलब इंप्रूवमेंट दिखाई है, और एक तरीके से देखो न्यूजीलैंड के लिए बड़ा प्लस इसलिए कि ट्रेंट बोल्ट नहीं है, वर्ल्ड कप में मोस्ट लाइकली देखो उनको अलाउ भी कर देंगे वो आ भी जाएंगे, बट जब तक वो नहीं भी है तो आपके मतलब मैट हेनरी फिर अगर ऐसे ही ये बॉल डालेंगे ठीक है इंडिया में ही होगा सारी चीजें, बट डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन है, टिम साउदी मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट अगर इस डिसिप्लिन से बॉल डाल रहे होंगे तीनों तो बहुत अच्छी चीज है उनके लिए, फिर आपके पास डैरन मिचेल के रूप में एक वो रहेगा सेंटनर है आपके पास, स्पिन ऑप्शन के रूप में आप ग्लेन फिलिप्स को देखते हो, माइकल ब्रेसवेल को देखते हो आप, तो आपकी यूनिट में वो यूटिलिटी वाली चीज रहेंगी जो शायद चाहिए हर किसी को, और सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा चाहिए होंगी ऐसी चीजें, क्योंकि वहां पर रहेगा ही रहेगा कि भाई कभी रन जब जा रहे होंगे तो आपको बॉलिंग ऑप्शंस आप ढूंढोगे कौन है किधर है क्या है। डैरन मिचेल जब आज आए तो एक पहला इंप्रेशन यही था ना सुनील कि अब शायद इनके अगेंस्ट जो है यहाँ से स्कोर ज्यादा हो सकता है, बढ़ जाएगा, और बीते बड़े टाइम से बॉल भी नहीं डाला था उन्होंने, बहुत टाइम से नहीं डाला बॉल, आपको याद नहीं आएगा कि लगातार वो बॉल डाल रहे होंगे, बट उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी, अपने चैनल में ऑपरेट करते रहे, प्रेशर बनाया, ऋषभ पंत को जिस तरीके से आउट किया वो भी एक सेटअप के तौर पर आप देखे आउट किया ना, लगातार ज्यादा ऊपर जाता फिर एक शॉर्ट बॉल डाली वहां पर इतना अंदर, इनफैक्ट दीपक चहर भी जब आए उन्होंने अच्छा उनको ही मारा, एक चौका सीधा मारा था जो थोड़ी पिछली चौका था वो पहले नहीं पहले सीधा सीधा छक्का ही चला फिर इधर छक्का भी उन्होंने मारा फिर, बट उनको भी उन्होंने जिस तरीके से आउट किया तो वो बड़ी जबरदस्त उनकी तरफ से। दीपांशु जी कह रहे हैं कि मतलब कि जो खिलाड़ी टी20 में अच्छा कर रहे हैं उनको ओडीआई में क्यों मौका दिया जा रहा है। भाई देखो ये तो आप आज कह रहे हैं, ये चीज तो मैं एक साल से कह रहा हूँ पिछले, तो तब तो नहीं खुलती हैं आंखें, जब बिल्कुल सामने होते हुए देखते हैं हम चीजें। अब एक और चीज बता दूं, मैं तो अभी सेलेक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप पूछेंगे क्यों, वो ऋतुराज गायकवाड़ पिछली बार इंडिया ए में थे रेड बॉल में, अगर वो वहां होते तो ना आपको 200 दिखता ना आपको ये वाला 100 दिखता, तो ये है जो चीजें हैं जिन पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। अभी ऋतुराज गायकवाड़ को कर देते पिको वहां पर भी, अगर उनको थोड़ा जो रिस्ट विस्ट इंजरी का नहीं होता पता नहीं क्या पता डाल देते वहां पर भी या जो भी चीज होती कैसे कर रखा रजत पाटीदार को ओडीआई में थे ना वो रेड में वहां पर थे पिछली बारी जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई है ऋतुराज गायकवाड़ थे वहां पर, इस बारी नहीं है तो वो तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बढ़िया किया कि ये 200 दिख गया 6 छक्के वगैरह दिख गए, उन्होंने ये बोला छक्के उन्होंने ये कहा कि जैसे कि सूर्य कुमार यादव को लेकर अर्शदीप को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप टी20 में अच्छा कर रहे हैं, नहीं अर्शदीप का ऐसा है कि देखो अर्शदीप को खिलाना चाहिए, अर्शदीप को ऐसा नहीं है कि जो टी20 में अच्छा करे, तो और सूर्य कुमार यादव को भी ऐसे मतलब देखो चाहे वो अर्शदीप है चाहे वो सूर्य कुमार यादव है ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल वो बात ही नहीं है जी, आप ये सोचो कि नहीं यार वनडे क्रिकेट में तो ये वाली इस तरीके से नहीं हो सकता, स्काई को थोड़ा सा एडजस्ट होकर थोड़ा देखनी पड़ेंगी चीजें, पिछले मैच में तो अच्छा खेल रहे थे वो जिस तरीके से वो गेम छोटी हो गई थी, फिर ये भी है ना क्योंकि आपके पास अब ऑलरेडी खिलाड़ी हैं सूर्य नहीं संजू भी वही खेल रहे थे, इस सीरीज में ऑप्शन था ना कि स्काई खेल सकते थे तो इसलिए चलो वो खेल गए, और इतनी अच्छी फॉर्म में जब आ रहा है यार वाइड बॉल में तो आप खिला सकते हो ना, इतनी बेहतर फॉर्म जब वो टी20 में दिखा रहा है, और अर्शदीप का तो एक ही मैच हुआ है ना, एक मैच पर ये बोल देना कि यार वो टी20 में अच्छा कर रहा है तो उसको यहाँ पर ना खिलाओ,
T20 में भी नए बॉल से भी तो मूवमेंट देखी थी उसकी हमने, तो वो थोड़ा सा गलत चीज है। बॉलिंग में तो आपके पास ऑप्शन अभी भी मतलब उतने ज्यादा जो है यही सब खेल रहे हैं। और बट अभी भी अगर आप देखोगे, अगर हम मानकर चल रहे हैं कि जी हमें वनडे वर्ल्ड कप एक लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए, तो आई थिंक सबसे आगे अर्शदीप होने चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। अर्शदीप नहीं करते फिर लगातार परफॉर्मेंस लगता है T20 में ही ज्यादा बेहतर है, तो एक डिसीजन ले सकते हो, बट अभी जा सकते हो उनके साथ, अभी उसमें मुझे कुछ बहुत ज्यादा गलत नहीं लगता। मैं ये कह रहा हूँ कि ODI में आपके श्रेयस बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ODI की बात करी, नहीं स्काय की बात कर रहा हूँ, स्काई को स्काई तो जब पूरी टीम होगी तो बाहर ही होंगी, मतलब 11 में नहीं होंगी। आप उस तरीके से वहां पे आपके पास श्रेयस अय्यर हैं, संजू को आप बेंच पे रखते हैं, तो स्काई को आप एक स्पेसिफिक उस तरीके से कर दो ना, अगर ऐसा है तो, क्योंकि आपके दो बैटर तो वहां पे उस पोजीशन के लिए तैयार है एक तरीके से, चाहे वो श्रेयस हो चाहे वो संजू। कैसे इंग्लैंड भी तो ही करती है, वहां पे केएल राहुल भी है फिर आपके पास, हाँ तीन हो गए, सुनो इंग्लैंड भी तो ही करती है, उनके पास तगड़े खिलाड़ी हैं, जो ऐसा नहीं करे उनको वो खेलने तो ही खेलने दे रही उनको, तो मैं वही कह रहा हूँ कि तीन ऑप्शन आपके पास उस तरीके से मौजूद है, श्रेयस है, संजू है, केएल है। क्या आप इस सीरीज में स्काई को खिलाने में आपको आपत्ति नहीं? हमें कोई आपत्ति नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है आगे तो बहुत आप फॉर्मेट वाइज उसको वो करो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मेट वाइज इतना भी कोई वो नहीं, मतलब कि वो हो गया। सूर्य कुमार यादव आपको आपत्ति थी कि वनडे क्यों खेला, आपको थी आपत्ति वनडे क्यों, रोहित आपको थी कोई नहीं, नहीं, नहीं। भाई जिस तरह की फॉर्म थी नहीं, आप देखना तो चाहते थे, देखना चाहते थे ना, जब नहीं कर रहा है, अब ये भी तो इतना रिजिड, अब लिविंगस्टन वहां टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसको लिया गया है वहां पर, उन्होंने ये दिखा कि यार कि स्पिन ऑप्शन भी हो जाएगा और बैटिंग, सूर्य कुमार यादव के भी इतने फेलियर्स तो है नहीं अभी ODI में, मतलब ऐसी कोई उसमें तो मैं वो तो ऐसा कि नहीं, नहीं ये ऑप्शन इनको अलग कर दो, भाई ठीक है नहीं आ रही परफॉर्मेंस, समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है वो, हाँ वो बाहर ही हो जाएंगे, मतलब ये है कि आपको अगर ये क्लियर है कि भाई मेरा श्रेयस अय्यर ही है उस पोजीशन के लिए, तो उनको गेम टाइम दो, मतलब उस हिसाब से, और गेम टाइम मिल भी रहा है श्रेयस, इस सीरीज में तो ऑप्शन भी डिफरेंट थे ना, तो आप थी। पर ये मत करो कि फिर आप उनको T20 भी खिला रहे हो, हाँ, ये गलत है वो उनके साथ कि आप सिलेक्शन उस तरह से मत करो, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है। भाई सूर्य को हमने क्यों दिया ODI में चांस, क्योंकि भाई एक्सेप्शनल कर आया, कुछ ऐसा कर आया जो कभी देखा ही नहीं तब जाके, वरना अगर सूर्य की भी ऐसा ही वर्ल्ड कप जा रखा होता अमूमन तौर पर नॉर्मल, तो फिर हम क्यों बोलते कि उन्हें भी ODI में मौका दो, क्योंकि उनको साउथ अफ्रीका में भी मौका मिला था नहीं कर पाया उस हिसाब से, उनको उससे पहले भी मौका मिला था नहीं आया उस तरीके से रन, अभी साउथ अफ्रीका में उनको एक ही पारी मैच मिला लास्ट में, बट उसमें उन्होंने बेहतर, मतलब बेहतर दिखे थे वो क्रीज पर, रन कोई बहुत बड़े नहीं थे, बट श्रेयस अय्यर और वो साथ में जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल उस दिन सूर्य कुमार यादव दिख रहे थे, बट ठीक है बड़ी स्कोर लगाओगे भाई, उनको अगर चैलेंज करनी है अभी वो बाहर है, उनको अंदर आने के लिए जब जगह बनानी है तो आपको बड़े रन बनाने पड़ेंगे, थोड़ा नॉट आउट हाफ सेंचुरीज हो, शतक हो जाए उस तरीके से, ऐसी सिचुएशन में आकर रन बनाना हो, दोनों मैचेस में उनके पास बढ़िया सिचुएशन थी ना, चाहे पहला वाला वनडे रहा हो चाहे आज वाला वनडे रहा हो, बट हाँ अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप उनको उस तरीके आपके से पास ऑप्शंस हैं। केएल राहुल ने बेटर परफॉर्म किया है आपसे वहां पर, श्रेयस ने आपसे बेटर परफॉर्म किया है वहां पे, तो वही चीज है, आपको बड़े रन तो लगाने पड़ेंगे, बीट फॉर हिम या फिर शुभमन गिल के लिए भी मैं वही कहूंगा कि उसको 100 तो लगाने पड़ेंगे भाई, अगर शिखर धवन क्योंकि एस्टैब्लिश नाम अभी भी, आप अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट स्टार्ट करोगे वो अगर होते भी तो भी हम ये कहते हैं रोहित और शिखर स्टार्ट करेंगे, तो वो अब आपको तोड़ना पड़ेगा वो, और उसके लिए एक ही चीज चाहिए कि शुभमन गिल के ऐसे रन हो कि भाई लोग बोलेंगे भाई इसी को खिलाओ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब बॉलिंग पर बात है, इधर से न्यूजीलैंड चाह रहा होगा कि भाई जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो चाह रहे कि फिन एलन की यार टोटल आ जाए, फिन एलन जो है नॉट आउट चले जाए आज, मार दे रन तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, तो उनके लिए वो भी अपनी तैयार, देखें यहां से दीपक चहर स्टार्ट कर रहे हैं सुनील आज, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट गेम है, बॉल बढ़िया डालते हैं, मूवमेंट भी मिल ही रहा है उनको, जो थोड़ा पहला वो थोड़ा लाइन वैसे थोड़ा लाइन उधर थी, लेग साइड थी, लेकिन दूसरा अच्छा लेट मूवमेंट भी आपको देखने को मिला बॉल में, ये देखिए ये मारा सीधा लेकिन मिड ऑफ के हाथ में, दंदनाता हुआ पर फील्डर, अब शिखर धवन के ऊपर भी आप प्रेशर देखोगे, शिखर धवन ने मेरे ख्याल से इस प्रेशर में कभी कप्तानी नहीं की है कि उनके रन्स भी नहीं आ रखे हैं, सीरीज भी ऑन द लाइन लगी हुई है, अभी तक ये था कि चलो भाई मेरे भी रन आ रहे हैं, सीरीज भी जीती रहे हैं, पहली बार शायद होगा कि शिखर धवन को आप उस तरीके से देखोगे, अब जो उनकी सबसे बड़ी एक खासियत है ना कि कूल एंड काम रहते हैं, चिल रहते हैं, है ना, प्लेयर्स पे कभी आप उनको गुस्सा करते हुए नहीं देखोगे, चिल्लाते हुए नहीं देखोगे, वो चीज़ आज देखनी पड़ेगी कि क्या कैसे क्या करते हैं, अगर मैच हाथ से आपका निकल रहा है, चेंजेस क्या रहते हैं, हुडा को ओवर देते हैं कि नहीं देते हैं, ठंड है वहाँ, स्काई टोपा पहन लिया उन्होंने, टोपी भाई टोपा नहीं, हाँ टोपी टोपा और टोपी में फर्क होता है क्या? बिल्कुल पता नहीं, ठंड में तो टोपा ही पहना जाता है भाई, टोपा कोई शब्द ही नहीं है, हम तो बचपन से टोपी ही है, टोपी टोपा है,
हाँ तो टोपर जो ठंड में जैसे वो वाला पहनते थे उसको तो टोपा ही बोलते थे। भाई ओहो फुल डाला था बट फिर वही एक मिड तो ऑफ फिन पे एक एलिंग में मिड देखो ऑन क्या में। होता है कि प्रॉब्लम क्या है कि देखो जब इस शॉट पे जब आया तो एक तरीके से थोड़ा सा एंगल बैट आया अक्रॉस, मतलब कि जो सीधे बॉल खेलनी हो आपको अक्रॉस, इसी ये चक्कर में आगे वो लेफ्ट आर्मर बोल्ड के एंगल पर बीट होते हैं, भी हो जाते इसी चक्कर में उनका हैं। वो, तो थोड़ा बहुत आपको गेम अपना अटैकिंग है अग्रेसिव है बट उसमें हल्की बहुत माइनर एडजस्टमेंट्स जब आप करोगे तो आपका गेम इम्प्रूव हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर आपके आउटकम दिखेंगे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आप दोगे अपने आप को भी और टीम को भी। तो फिन एलन को भी थोड़ी सी ये चीज़ें समझने की, बस ये नहीं होना चाहिए कि फिन एलन मैं मार धाड़ करता हूँ, घुमा दिया उनको भी देखना ना कि भाई कहाँ पर गलतियाँ हुई। सिर्फ ये बड़े प्लेयरों के लिए थोड़ी होता है कि यार सेम गलती रिपीट ना करना, वो फिन एलन को भी करनी चाहिए। और दीपक चहर ने शुरुआत करी है, अच्छी शुरुआत रही है। कौन भी आएंगे कौन भी आएंगे कौन भी जाएंगे ऐसा कुछ है क्या? मुश्किल है नहीं थोड़ा। मुश्किल लग रहा है मुझे। हर्षदीप में थोड़ा नहीं फिर बन भी सकता है कुछ, ये आराम से खेल लेंगे। मोमेंट मिल रही है थोड़ी बहुत। ओए ओए लवली मोमेंट कौनवे डैश का मिल भी रही मतलब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा है भी उस लेवल पर नहीं है जो हमने पहली हाँ इनिंग्स उनकी देखी थी वर्ल्ड कप में। उसके बाद देखो स्पिन पे भी फंसे थे, फिर फास्ट बॉलिंग पर भी उतना बेहतर नहीं है। इंडिया वाली सीरीज में भी, जो अभी वाली सीरीज में, एक इनकी हाफ सेंचुरी आई थी शायद जिस दिन, जब सेकंड गेम थी मतलब कि जो बारिश के बाद जो हुई थी जिसमें रन लगे थे, इनके पार्टनरशिप लग गई थी जब फिर बारिश हो गई थी ना, थर्ड था शायद वो, T20 वाला हाँ T20 उसमें भी जो हाफ सेंचुरी आई बट उसमें भी थ्रू आउट वो नहीं था फ्लुएंसी, आप भी इनकी बैटिंग में एसोसिएट करते हो हमेशा। ओए ओ यार भाई क्या स्वर्ग ऋषभ ने होगा। सोचा इधर आएगी बट वो निकल बॉल गई घूमी उधर। है ना उधर। हाँ एकदम एंगल ऐसे बदला बॉल ने यार। आपको अपनी याद आ गई सुनील, मेरी योर डेज थोड़ी सी कम मोमेंट रहती थी। पेस भी थोड़ा कम था। ओए ओए बढ़िया यार, भाई थोड़ा सा है मोमेंट है, मोमेंट है देख लो मोमेंट भाई। है, मोमेंट है। कॉनवे को दिक्कत हो रही है। शुभेंदु हाँ तो बस ये अलग सी मिट्टी, क्या वो वैसे ही बुरादा डाल रखा है क्या? डाला हाँ वो रन अप के लिए कि वहाँ पे फिसले जहाँ ना। पे जंप लैंड हो, जहाँ पे लैंडिंग होती है वहाँ पे फिसले ना। ये तो मतलब आराम मयंक अग्रवाल आज भी नहीं चले, मनीष पांडे भी नहीं चल पाए। कर्नाटक की तो हालत खराब है ना भाई। पांडे जी को आप कहाँ खिला रहे थे अभी पीछे यार 3-4 दिन पहले? पांडे जी को मैं उम्मीद मेरी यही थी कि वो अच्छा कर जाएंगे, लखनऊ ने तक रिटेन नहीं किया हमें कॉल कह रहे फोन भी नहीं किया भाई। उनको। क्या हवा चल रही है वहाँ पे? किसी को आप चिपका रहे थे पांडे जी? क्या ये आप कहते जी खुद ही कहते कि हम नहीं, मैं वापस नहीं गुजरात को आएंगे? ना, हाँ गुजरात को नंबर 3 के लिए, गुजरात केन विलियमसन ले लिया ना भाई। नहीं मैं उनको नंबर 3 पे इसलिए कह रहा था कि वहाँ विजय शंकर खेल रहे थे, साई सुदर्शन तो भी यार वहाँ विजय पर थे, शंकर यार आपको बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं ना। थ्री बैटिंग ऑप्शन सिक्सटी तो भी है वो। वो उनका भी चलो भाई जो पहली बॉल मेन बल्ले पे काम लगी इस बैटिंग कर ओवर रहा में वो। विजय शंकर। पर इंडिया को तो उन्होंने बॉलिंग से जिताया, बैटिंग से बैटिंग तो से तो हरवा ही हरवा दिया था। दिया हरवा ही दिया था था उन्होंने। पाकिस्तान वाले गेम में भी उन्होंने विकेट लिया था शायद, है ना? आके जब वो आए थे, तेज आई हवाएं। और मेरे थिंक ख्याल से भुवी ऑस्ट्रेलिया को वाले में भी उन्होंने एक किसी को जब कुछ चोट हुई थी, भुवी पहले को है क्या था कुछ दिक्कत हुई बॉल थी, पे आते ही विकेट, उन्होंने विकेट LBW कर दिया था। और जब हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी खेल रहे थे घर पे तब भी उन्होंने एक लास्ट ओवर डाला था जहां पर रन बचाने थे। बचाने थे जहाँ पे। मिडिल ओवर है, ऊपर रहा है क्या? लक्षण लग रहे हैं भाई इसके।
अब इनके ऊपर वो दबाव एक बॉल बाकी है ना अभी, ये चाहे तो खेल सकते हैं डॉट बॉल कुछ हो ये हो ये, बस यहाँ से आखिर में नॉट आउट चले तो सब बोलेंगे भाई बढ़िया किया है ना, मतलब और सिचुएशन वाली बात है ना, रन उनको उस तरीके से ये नहीं कि जी शुरुआत से रन बनाने कुछ है। जैसे उस दिन इंग्लैंड के अगेंस्ट शिखर धवन खेल रहे थे, बॉलें ले ली जितनी ले ली, रोहित शर्मा अलग खेल रहे हैं, शिखर धवन अलग खेल रहे हैं, पर उस दिन उन्होंने यही कहा यहाँ पे कि भाई अपना टाइम ले लिया। ऋतुराज आज भी मारेंगे क्या 200? मार दें, क्या दिक्कत है, फर्क क्या पड़ रहा है उससे? नहीं भाई आपको नंबर 5-6 पर खिला देंगे आप T20 में, उससे क्या मतलब? देखिए भाई चलो भाई मिडन ओवर ओपन पर अच्छा कर रहे हैं, 5 पर मेरे ख्याल से बढ़िया कर सकते हैं वो। हां वो नई बॉल से ऐसा कर रहे हैं तो सोचो पुरानी बॉल का क्या हाल करेंगे। आप बस सोच के देखो सुनिए, वो मैं बताऊं ना हुआ क्या, आप जब पुरानी बॉल लेकर आते थे तो आपकी छिदाई नहीं होती थी? नहीं वो मैं बताऊं आपको क्या होगा, वो आएंगे और बैठेंगे घूमेंगे फिरेंगे और जाएंगे। नहीं नहीं 5-6 नंबर पर क्या पता मिल जाए मौका, इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए यार टॉप ऑर्डर में। किसको हटा रहे हैं फिर आप? T20 में दे देंगे क्या फिर उन्हें मौका? T20 में नहीं, ODI में ही दो। कहाँ किसकी जगह? ODI में दो आप। संजू की जगह ले आएंगे उनको, शुभमन गिल की जगह पे। शुभमन तो बढ़िया राइज कर रहे हैं, उन्हीं को बाहर कर देंगे। रोहित का देखो टाइम खत्म हो रहा है, वैसे शिखर धवन का भी एक तरीके से जा ही रहा है। तो ऋतुराज और शुभमन आपके नए ओपनर्स, शुभमन और ऋतुराज से कराओ दंदन आती हुई। 23 के बाद ले आओ दोनों को फुल फ्रेम में। 23 के बाद ही बोल रहे हो ना आप भी, मतलब अभी आप एक साल और इंतजार देखोगे सब कुछ। ओ एज उन्होंने शॉट ही खेला क्या उधर ही, शायद उन्होंने दिशा देने की कोशिश करी थी उसी में। नहीं एज ही है भाई, मारना तो कहीं मतलब पॉइंट की तरफ चाह रहे थे शायद वो। अर्शदीप ज्यादातर यही फील्डिंग करते हैं ना बॉलर्स, अमूमन तौर पर फास्ट बॉलर्स को आप इधर ही देखोगे या तो थर्ड मैन या फिर फाइन लेग। उधर देख रहे इंडिया ये कूट रही है क्या बांग्लादेश? 229 पे कोई विकेट ही नहीं गिरा है। अरे वो तो कूट नहीं, कल उनको ऐसे निपटा दिया था उन्होंने। ईश्वरन का भी हो गया 100? हाँ उनका भी वो 102 पर खेल रहे हैं, जायसवाल 118 ओपनर है ना, फिर तो मिडिल ऑर्डर में बढ़िया करेंगे। यहाँ पर भी किसी और को करवा देंगे ओपन, यशस्वी जायसवाल तो कर सकते हैं ना T20 में भाई, क्रॉस फॉर्मेट बना रहा है रन। ये तो पहला ये है ना दिक्कत अपने साथ ही है, ये ओपनर है अच्छा, इनको 4 नंबर या 5 नंबर पर खिलाएंगे। ऐसी तो वैंकी को बर्बाद कर भाई, वो आके उनकी टीम को जल्दी ऑल आउट भी कर रहे हैं, वो विकेट ही नहीं ले पा रहे। हमारी मेन टीम रहेगी तो शायद ठीक है अच्छा कर जाए, लेकिन वो फिर भी ऐसा शुरुआत मुश्किल ही दे पाए। बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बॉलें पी जाएंगे ना बहुत ज़्यादा। नहीं तो कौन? अपनी मेन टीम छक्के बड़े मस्त मारे दीपक चहल ने ना दोनों, बढ़िया टाइम एकदम दो छक्के सीधा वाला थोड़ा सा वो हो गया, जैसे कहते हैं ना कि एड्रेनलिन रश, वहां पर छक्का वक्का मार के वो जोन में आ गए उस, वो देखा वो भी वही ये थोड़ी ही खड़ी होगी वरना वो भी, बट जरूरत क्या थी? जरूरत नहीं वो एड्रेनलिन रश वाली बात है। दीपक चहर को मैं मतलब उनको एक्सपीरियंस के साथ मैं काउंट करता हूँ, मैं ये नहीं काउंट करता कि दीपक चहर ने, मैं उनको उस तरीके से देख रहा हूँ कि मैच कम खेले, जो आज ऋषभ पंत ने शायद एज को लेकर बोल दी चीज। तो दीपक चहर के अगर मैच कम है तो दैट डजंट मीन कि दीपक चहर उतने एक्सपीरियंस और उतनी समझदारी से क्रिकेटिंग अपना जो है एक्यूमन ना दिखाएं। दीपक चहर को याद है ना मैं जब साउथ अफ्रीका में उस दिन आउट हुए थे किस तरीके से निराश बैठे हुए थे, वहां पर भी गलती कर बैठे थे, आज भी थोड़ा ही गलती हुई है। तो दीपक चहर को अपना वो बैटिंग वाली जो पूरी पावर है वो आकर फुल डिस्प्ले पर लानी चाहिए, और वो मच बेटर आज तो सुंदर ने नहीं किया ना, सुंदर भी चौका मार रहे थे तो फिर अगली बॉल पे छक्के नहीं मार रहे थे। प्रॉपर बैट्समैन जो जिसे दीपक ने जो श्रीलंका में किया था वही उन्हें मतलब उनका मतलब कैपेबिलिटीज आप वहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से फिनिश भी कर सकता है, बड़ी हिट्स भी लगा सकता है। और जब आ गए 2 छक्के आ गए तो उस टाइम पे जरूरत ही नहीं थी, उस टाइम पार्टनरशिप लगानी थी। सुंदर को भी तो यार चाहिए था ना, चहल ने वहाँ बड़ी चहल से उम्मीद दी थी इतना बढ़िया कर जाएंगे, वैसे जो उन्होंने बॉले खेल गए इतनी बढ़िया एकदम उम्मीद नहीं थी उनसे, बट फिर भी तो चोट वोट लगने से बच गए। वो कंधे पे लगी बहुत वो लॉकी की बॉल, लॉकी की बॉल फेस कर दी यार उन्होंने बढ़िया। कंधे पे नहीं इधर पे लगी थी, नहीं नहीं यहाँ कंधे पे लगी थी वो
नहीं नहीं एक ही लगी थी भाई एक ही लगी थी जो पीछे गई और मेरे ख्याल से राइट हैंड पे ही लगी थी इधर इधर लगी थी पीछे वाला हाथ था ना इधर पे लगती हुई देखी थी मैंने को दूसरा मैच देख रहे थे आप कोई हर जगह वो बॉडी पे ही खाते रहते हैं मैं आप ऐसे बोल रहे हो योजी चहल को भाई आज विकेट लेनी पड़ेंगे अभी ओडीआई का भी ऐसा हो गया कि इतने टोटल में लगता ही नहीं कि टीम जीत पाएगी हो सकता है मतलब विकेटें लेके चले जाएं सब कुछ हो जाए पर वो विश्वास नहीं दे पाते इतना जो टोटल है वो 300 में नहीं होता विश्वास आजकल ओडीआई में वो तो 220 है सवाल तो नहीं आए थे कुछ सवाल शायद से सुनील सर ने भेजे हैं भेजे एक बार देख लीजिए प्लीज जसवीर कह रहे हैं संजू शुड प्ले फॉर अदर नेशन लाइक वी सी इन फुटबॉल एनीवन विल टेक सच क्लास प्लेयर प्लीज टेल मी योर रिएक्शन ऑन संजू फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग तो है बट भाई संजू सैमसन तो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं ना और हम भी यही चाहते हैं उन्हें इंडिया के लिए खेलते हुए देखना चाहते हैं भाई वो मतलब ठीक है वो फैंस का एक उस तरीके की बात रहती है कि भाई कहीं और से ही खेल लो कहीं और को ही दे दो वो उस चीज़ सही है बट यहाँ पर खिलाओ तो यार उनको मैं वनडे तो कहा भी नहीं मैंने अभी उतना मतलब T20 तो खिलाओ भाई स्टार्ट करवाओ T20 उनसे अमित कह रहे हैं ऋषभ पंत को खिलाना तो शुरू करो बहाने मत दिखाओ ऋषभ पंत को कह रहे हैं आप बहाने मत दिखाओ निकालो टीम से IPL खेलें ये खेलें वो खेलें ऐसा कुछ LFC कह रहे हैं कि भाई सीधी सी बात है जो फॉर्म में है उसको खिलाओ 2011 वर्ल्ड कप की तैयारी 2008 से शुरू हो गई थी टीम कॉम्बिनेशन वगैरह लैक ऑफ विजन सिद्धार्थ अरोड़ा कह रहे हैं वी आर गोइंग बैकवर्ड सीरियसली आई हैव नो होप फॉर इंडियन टीम फॉरवर्ड कल बोला नहीं था हमने कि ऋषभ पंत को ऐसे बिठाए रखो बाद में बैटिंग कंसल्टेंट बना देना फिर वी विल नॉट विन एनी ICC ट्रॉफी फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स सॉरी इट्स भाई वो हो गया ना वो अनुपम खेर वाला हो गए अरे इन्होंने मेरे हाथ में बिच्छू दिया था वो एम्बुलेंस नहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी थी ऐसा कर दिया यार इन लोगों ने यार सच में ऐसा फॉर्मेट मिक्स करते हैं ऐसा अभिषेक शर्मा ने 100 मारा जो मैं उस दिन ही बात कर रहा था अभिषेक शर्मा ने 100 मारा है उस दिन ऋतुराज ने 100 मारा था यशस्वी उस दिन शुभम खजूरिया ने 100 मारा था शुभम के तो हमने बोला कि कोई बात नहीं आज यशस्वी ने भी 100 मार दिया है ऋतुराज ने फिर 100 मार दिया है अभिमन्यु ईश्वर ने 100 मारा है फॉर्मेट अलग है बाकी आप देखो आप T20 राहुल त्रिपाठी के 300 रखें रजत पाटीदार रन बना रहे थे ये ऐसे ऑप्शन हैं इनमें से आप राहुल त्रिपाठी यशस्वी जायसवाल अभिषेक ऋतुराज गायकवाड़ बीच के लिए तो रजत पाटीदार बीच नहीं मैं अभी कह रहा हूँ ऊपर 1-2-3 में बट हम क्या करेंगे हम ओपन में इनमें से किसी को नहीं ट्राई करने की बात करेंगे यार नहीं करेंगे तो वो गलत ही रन बना रहे हैं वहां पर वो क्या कर रहे हैं वो भी पता नहीं क्यों रन नहीं पर वही है जो एक सिमरनजीत ने भी कहा है कि पंत की ऑडिसिटी देखो अब सिर्फ 25 का हूं जब 30 का होऊंगा तब क्वेश्चन करना मुझे T20 में ओपनिंग करनी है आई डोंट केयर बाकी ओपनर जो भी करें मुझे मेरी मर्जी मतलब वही है तो उन्होंने आखिर वाला नहीं कहा कि बाकी मतलब देखो अब ये होता है भाई समझ सकते हैं एक 24 साल का लड़का और उसको सवाल पसंद नहीं आया गुस्सा आ गया बट यही तो आपका वो है ना यार यहीं पर तो आपका वो दिखता है कि आपको किस तरीके से जवाब देना नहीं पर उन्होंने उनको एडमिट करना पर ये भी है ना भाई तो देखो क्या गलत होता कि नहीं ऑब्वियसली 60-65 मैच खेल लिए तो ये जो आप बयान दे रहे हैं कि मैं ओपन करना चाहता हूँ तो ये पहले वो क्यों नहीं कह रहे थे इस तरीके की चीजें और सबसे बड़ी बात है आप दिल्ली कैपिटल से क्यों नहीं करते हो कप्तान हो ना आप 2 सीजन से तो और अब करोगे क्या तब देखते हैं तब बिल्कुल देखेंगे लेकिन सवाल का जवाब भी जैसे उन्होंने कहा है कि भाई वो भी अगर वहां पर प्रेजेंटर हैं एज अ ब्रॉडकास्टर हर्षा भोगले थे तो उनका सवाल कोई गलत नहीं था बिल्कुल क्या उनका सवाल गलत था उस तरीके से कोई पूछना कोई वो तरीका कोई, कोई वो नहीं है आपकी जो ऐसा थोड़ी उनको कोई और यार मेरे को अभी उन्होंने नाम क्या लिया उन्होंने बोला कि मैं वीरेंद्र सहवाग से भी ये पूछा करता था और सहवाग के लोग भी वीरेंद्र सहवाग से पूछो चाहे ना पूछो एक प्रेजेंटर के नाते ऋषभ पंत से वो सवाल पूछना क्या गलत है या नहीं है वो तो
बात ही नहीं है किसी चीज की जब आपकी फॉर्म ही नीचे लगी हुई है। कोई बात भी कर रहा था कि अब मेरे को ये बताओ, आपको 65 मैच मिल गए इस प्लेस पे, अब आप चाहते हो कि आपको 30 मैच एज एन ओपनर भी मिले, तो यार बाकी वहां पे घास काटने थोड़ी आए हैं जो खिलाड़ी आए हैं, बाकी भी तो खेलने आए हैं, बाकियों को 10 मैच भी नहीं मिल रहे हैं। एक खिलाड़ी को अगर आप मान रहे हो कि 100 मैचेस मिल जाए और उसके बाद अगर फिर आपकी ओपनिंग, चलो मान लिया कि 65 मैच में आपके इधर रन नहीं आए, अगर फिर आपके ओपनिंग में भी रन नहीं आए तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो गलत चली गई ना। इस तरीके के जो बयान भी है, ठीक है, उसमें आप देखिए तो थोड़ा सा एटीट्यूड जैसा भी लगता है ना कि मैं एटीट्यूड से ज्यादा इस चीज देखो care, वो कह रहे हैं कि एक होता है कॉन्फिडेंस देना कि खिलाड़ी की चेहरे पे शिकन ना आए, एक होता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट कर दो खिलाड़ी को कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, और दूसरा ये भी चाहे मैं इस टीम में कुछ भी करूं, थोड़ा झल्लाहट वाली भी चीजें हैं जो शायद हर्षा से कुछ दिक्कत मेरे को लग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब एक बार वो भी हुआ था कि आप तो ऋषभ कमेंट्री भी इतना बढ़िया करते हो तो हमारी वो हो जाएगी भैया आप लोग अच्छा जॉब करोगे, ऐसा कुछ उन्होंने उस दिन भी उनको बोला था हर्षा को, अब कि आप लोगों को अपना गेम अप करना चाहिए कुछ मतलब इस तरीके का, बट यार थोड़ा सा मैं मतलब कि ये भी है कि ये भी एक हिस्सा ही होता है आपकी, मतलब जो आपका जवाब था जैसे कहते हैं कि मीडिया हैंडल करना, जो हम फिर काफी बार बोलते हैं यार इन्होंने कैसा बयान दे दिया, उन्होंने कैसा बयान दे दिया, तो ऋषभ पंत को भी वो सही नहीं लगा, इरिस्पेक्टिव आपकी फॉर्म कैसी लगी हुई है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उन्होंने अगर आपको एक सवाल पूछा भी तो उन्होंने तो तरीके से और बेहतर तरीके से पूछा, कि मैं हमेशा वीरेंद्र सहवाग से भी ये सवाल पूछा करता था कि आप छोटे फॉर्मेट के तो बिल्कुल बने हुए, जो हम हमेशा एक बात करते भी कि सहवाग के वनडे नंबर्स उतने बेहतर नहीं हो टेस्ट में, सही बात है, तो उन्होंने नाम यार इतने बड़े लेजेंडरी प्लेयर जिसने आप बोलते हो कि इंडियन क्रिकेट में अलग ही चीज दिखाई आपको, वो ऐसे करके पूछ रहे हैं, वो कह रहे कि मेरे तो उसमें भी ठीक ही है नंबर, भाई कौन से ठीक नंबर है T20 में आपके, किस तरीके की यार आप बात कर रहे हो, और कह रहे मैं ये सब नहीं देखता, मतलब कि मुझे जो नहीं देखता तो देखनी चाहिए रिकॉर्ड्स, ये तो वही वाला बयान हो गया ना जो केएल राहुल कहते थे कि मैं स्ट्राइक रेट हाँ, ओवर रेट वाला उन्होंने कहा, exactly. और दूसरी बात ये कि आप भले 24 के होंगे बट आप 24 के साथ ये ना भूलिए 65 मैच ये ना भूलें, 65 मैच खेलते खेलते लोग 30 साल के हो जाते हैं, लोगों ने नहीं खेल पाए हैं, बहुत से खिलाड़ी 30-32 में भी नहीं खेल पाए, एक चीज और बोली कि मेरे को अगर कंपेयर करना है तो 30-32 में कंपेयर करना, भाई तब तक आप ऐसा खेलोगे, मैं अभी 24 का हूँ, मुझे अगर कंपेयर करना है तो मुझे 30-32 में कंपेयर, 30-32 में क्या आप 150 मैच खेलोगे, भाई आप उस तरीके से खेलोगे 30-32 में आप टीम में रहो, अभी आप 60-65 तो आपने खेल लिया जो कि वही वाली बात है, देखो बात इतनी सी है कि ये मानने में कहीं कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई नहीं आ रहा, एलेक्स हेल्स के T20 इंटरनेशनल 75 है, वो बीच में पूरे तरीके से साइडलाइन बाहर ही थे, उसके 75 है T20 इंटरनेशनल क्योंकि उसको पूरा साइड कर दिया कि भाई बना रन जितने मर्जी रन बनाने, तो ये चीजें समझनी चाहिए, एलेक्स हेल्स आकर फिर वर्ल्ड कप जिता के गया है, आपका हैरी ब्रुक की उम्र भी देख लेना और उसके मैच भी देख लेना, उधर से सैम करन को देख लो, क्या एज है सैम करन की, मैं तो नहीं मानता कि 23-24 साल में किसी ने भी 65 मैच खेले होंगे, किसी ने भी नहीं लग रहा है, तो अगर अब आने वाले वक्त में खेल सकते हैं क्योंकि तरीका भी बदलेगा, लोग T20 वर्ल्ड कप हो रहा है अभी तक की मैं तो बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो T20 में अब ऐसा होगा कि लोग यंगस्टर्स को भी ब्लड इन करेंगे, 20-20 साल में लाएंगे लड़कों को खिलाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, और साल में 20-20 मैच होंगे और लड़कों में दम भी आ रहा है यार, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती किसी को बुलाकर खिलाना है, लेकिन एज में आप देखिए 24 साल में शायद 65 मैच नहीं होंगे अभी तक, भाई आपकी इसी चीज को तारीफ करते हैं यार कि 24 साल में उसने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पारी खेली, बड़े बड़े दिग्गज नहीं खेल पाए, उस टाइम तो आपकी इज्जत ही दी जाती है आपकी परफॉर्मेंस पर, तो अगर वहां आप अपनी एप्रिसिएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो यहाँ पे क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट करो भाई, हैंड जाती है दोनों चीजें, ऐसा नहीं होता कि भाई जब दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है तब तो आप बोल रहे हो वाह मैं राजा हूं, और जब बोल दिया कि भाई नहीं आपसे रन नहीं आ रहे हैं उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आप ये कह दो कि नहीं 32 साल का जब हो जाऊंगा, भाई अभी लोगों ने कह दिया ना कि जो महेंद्र सिंह धोनी 35 साल तक नहीं कर पाया वो इस लड़के ने 23 साल में कर दिया, कि भाई चाहे टेस्ट रैंकिंग्स में ऊपर आना हो चाहे अलग अलग ओवरसीज 100 हो, तो वो सारी की सारी चीजें हैं, विराट कोहली ने उनको लेकर कितनी सही बात कही थी जो उन्होंने खुद बोला कि अच्छा ग्रेट प्लेयर बनने की यही निशानी है कि 6 महीने में वो गलती रिपीट मत करो, आप तो हर मतलब छठी बॉल पे वो मिस्टेक कर रहे हो, 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। और यही बात हुई थी ना विराट कोहली ने भी शायद जब कही थी उन्होंने साउथ अफ्रीका में कि मैंने ऋषभ को यही बोला या कुछ बात आई थी, उन्होंने ये कहा था कि MS ने जो मुझे बोला मैं वही कि हर 6 महीने में अगर आप बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हो तो वो गलती कम से कम 6 महीने में रिपीट करो, पहले तो सचिन कभी एक तरीके से आपको बार बार आउट होते हुए दिखेंगे ही नहीं, जो हम ये कहते हैं कि भाई KL राहुल अंदर आती हुई बॉल पे परेशान होते थे, अभी शुभमन गिल का भी थोड़ा सा वो लग रहा है या ऋषभ पंत यहाँ आउट हो रहे हैं, और दूसरी तो बात है कि देखो निशानी होती है यार, कुछ प्लेयर होते हैं जो बहुत कंप्लीट उस तरीके से आते हैं बट काफी प्लेयर्स अपने लिमिटेशंस के साथ ही खेले हैं, और उसी में महेंद्र सिंह धोनी से तो यार आप बड़ी चीज नहीं सोच सकते, महेंद्र सिंह धोनी की गेम में आप कितनी लिमिटेशन खाई नहीं कभी, वो शॉट्स लिमिटेड है, तरीका उनका अपना है बट रन देखो कैसे बनाए कि भाई उस पोजिशन पर बड़ी बड़ी बातें हम सब कर लेते हैं कि ये बड़ा दिग्गज वो बड़ा दिग्गज, उस पोजीशन पर आकर 10,000 रन बनाना, 50 की एवरेज लग रही है, 10,000 रन यार कोई हल्की बात हलवा है नहीं है भाई, पोजीशन पर आकर उन्होंने बनाए तो वो कुछ तरीके से बनाए,
कुछ एक मेंटल टफनेस से, कुछ अपनी लिमिटेशंस को समझते हुए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, उससे बने। वो जो फिनिशर वाली बात है जो अभी हम ढूंढ रहे हैं ना, आप कह रहे हैं हमारे पास तो फिनिशर रहते ही नहीं उस तरीके का, जो वो आते थे मुकाबला जिस तरीके से खत्म करना। भाई उस तरह का तो आपको सदी में एक ही खिलाड़ी मिलता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन जो मनोज ने भी कहा कि अगर श्रेयस अय्यर में कोई प्रॉब्लम है, शॉर्ट बॉल वीरू का भी कमजोरी थी, शॉर्ट बॉल रायना की भी कमजोरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने करियर को प्रोलॉन्ग किया और हमें कभी भी नहीं लगा कि रायना जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें कभी भी नहीं लगा कि वीरू जबरदस्ती कर रहे हैं या उनको एक ही तरीके से ट्रैप किया जा रहा है। तो वो चीज मैं कह रहा हूं कि श्रेयस अय्यर के पास भी अगर वो दिक्कत है तो उसके अलावा भी तो आपके पास कमियों के साथ, तो यार देखो अब हर प्लेयर उस तरीके से कमियां कुछ ना कुछ आपको कंप्लीट प्लेयर कितने के पास ऑफसाइड की गेम आज सूर्य कुमार यादव का दिखा रहे थे डिसमिसल दोनों इनिंग्स का, तो यही बता रहा। और जो हमने शायद T20 वर्ल्ड कप से भी लेफ्ट आर्म स्पिनर जो था, लेफ्ट आर्म स्पिनर पे उन्होंने मारा ना, बट जो हम कह रहे थे जब एक बात होती थी कि सूर्य कैसे, तो हमने कहा था कि वो कट पर जो है कि हम पीछे मारते हैं, रिस्ट ब्रेक कर पीछे वाले मारते हैं, स्क्वायर की तरफ कट पिन है तो, और वो सीधे बैट से ज्यादा खेल रहे हैं, इसी बॉल पर हो रहे थे बार बार। तो बोला था कि वो है, बट अब उनको देखना पड़ेगा कि मैं लीव कर दूं वो चीज या फिर सिंगल को देखूं उसमें आराम से खेलूं, बहुत ज्यादा उस पर शॉट ना खेलने जाऊं मैं, क्योंकि हार्ड हैंड से वो जाते जाते तो वो एज लग रहा है तो उस तरीके से आ रहा है। उनको ने जब आउट किया था स्ट्रेटेजिकली उनको देखना पड़ेगा वो चीज, तो तब और ज्यादा उनका शानदार हो जाएगा जो वनडे में भी अगर परेशानी चल रही है। ऋषभ पंत तो ऑफसाइड की बॉल को बाहर से ड्रैग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत तो हर खिलाड़ी के साथ होती है। देखो अब क्या है कि श्रेयस अय्यर की शॉर्ट बॉल इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल को टेक ऑन ही करते रहते हैं। श्रेयस अय्यर ने कभी भी अभी तक उसके अगेंस्ट ऐसा इवेजिव एक्शन नहीं लिया कि मुझे बाउंसर डालोगे ना तो मैं बस छोड़ना है। वो आपने देखा हटकर भी मारेंगे, इधर भी होगी तो थर्ड मैन पर भी आज जो कैच का चांस बना हो तब भी जाएंगे, टॉम लेथम पर भी मारने के चक्कर में हुआ, उस चक्कर में थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता तो आप आगे की बॉल को भी पीछे के लिए रेडी रहते हो तो खा जाते हो पैडों पर, तो वो इसलिए थोड़ा उनके लिए बड़ी बनती गई क्योंकि उन्होंने उसको वैसा ले लिया है कि ईगो ले लिया शायद ईगो पर लेकर कि मैं प्रूफ करता हूं कि नहीं मैं पुल फुल शॉट मार सकता हूं, मैं मारूंगा छोटी बॉल को, मैं शॉर्ट बॉल को खेल सकता हूं। उनको वहां पर भी काम डाउन होना चाहिए और वहां पर और उनका बेहतर हो जाएगा। और यार एक ही ओवर में एक ही तो अलाउड होती है, मतलब जो ढंग की जिसे आप कहते हो कि हाँ यार बाउंसर मारा है, तो भाई एक ओवर में दो तीन सवाल ले लेते हैं वो फिर हट जाएंगे। इज है एक भाई वो कह रहे हैं कि एनीवन एल्स फील लाइक वी आर गोइंग बैक इन टाइम विद ईच गेम, न्यू कोच मैनेजमेंट हैज गिवन 90% नॉस्टैल्जिया। आज शशि थरूर जी ने भी ट्वीट किया है, हालांकि वो संजू सैमसन के लिए वैसे करते हैं, बट उन्होंने विवेक लक्ष्मण ने कुछ जो बयान दिया उन्होंने उस पर किया है, तो मतलब ठीक है भले ही एक शशि थरूर का एक हमेशा से रहा भी है और जो भी है उनका कनेक्शन केरला से है और वहां से भाई केरला से लिमिटेड ही हमने देखे कि खिलाड़ी आए, तो उनकी बात मतलब गलत नहीं है। वैसे क्या लिखा उन्होंने, लोग उस तरीके से बोलेंगे कि हाँ भाई शशि थरूर तो बोलेंगे ही संजू सैमसन के लिए ही और ये है वो है, बट गलत नहीं कहा उन्होंने। विवेक लक्ष्मण की कोर्ट को उस पर लिखा है कि लक्ष्मण ने ऐसे बोला कि भाई ऋषभ पंत ने अच्छा कर रखा है तो उनको बैक करेंगे, उन्होंने बोला कि भाई संजू सैमसन ने फिर क्या गलत कर दिया है, संजू सैमसन का क्या कसूर है। और नॉट जस्ट कि शशि थरूर ने बोला है तो वो सारी चीजें नहीं, लेकिन वही चीज है कि शशि थरूर ऐसा नहीं है कि क्रिकेट जानते ही नहीं है, वो क्रिकेट में नहीं मिले हैं, आईपीएल वाली चीज किताब किताब भी उन्होंने क्रिकेट पर लिखी है शायद, किताब क्रिकेट पर कुछ लिखी है, किताब तो नहीं लिखी है उन्होंने शायद, मेरे ख्याल से क्रिकेट पर भी कुछ लिखा है या कुछ उनका कहीं पर, लेकिन जैसे कोच्चि टस्कर्स वाला हमें याद है, आईपीएल का हमें कोच्चि टस्कर्स याद है। हां उनका नहीं, वो ट्वीट बराबर करते रहते हैं, वो वही मैं कह रहा हूं कि इसको ये मत समझिएगा कि कोई नेता जो है पॉलिटिसाइज करने के लिए या पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, वो बंदा क्रिकेट से जुड़ा रहा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कोच्चि टस्कर्स वाला जो मामला है उसका जो कंट्रोवर्सी है उसमें भी उनका नाम आया था, मतलब कि एक क्रिकेट को लेकर के हमेशा से जब हम ये जीते थे अपना। और दूसरा ये भी है कि संजू सैमसन के लिए क्यों कोई भी क्रिकेटर्स में से जो एक्सपर्ट सब हैं या फिर जो कमेंटेटर्स उस तरीके से बात, साइमन डूल ने शायद बोला है सीधे कि भाई आपके बेस्ट वाइड बॉल कीपर अभी संजू सैमसन है उनको खिलाना चाहिए शायद, मेरे ख्याल से कुछ मैंने कहीं पर पढ़ा था या देखा था। अच्छा। अगर दोस्तों आपको पता हो तो बताएं, तो सुनील आप भी एक बार चेक कर ले, हमारी तरफ से क्यों नहीं कोई बोल रहा है उस तरीके से कि भाई आप उनको क्यों नहीं मौके दे रहे, कोई बोल रहा है मुझे तो ये सबको मैनेजमेंट की गुड बुक्स में रहना है भाई। दो सवाल हैं, जया प्रकाश कह रहे हैं बेटर टू प्ले सुंदर देन पंत इन टॉप ऑर्डर, अभिषेक जय कह रहे हैं इंडियन क्रिकेट इज डूम्ड जस्ट पॉलिटिक्स, थ्रो दैट पंत फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ओके जोक, ये तो हारेगी वर्ल्ड कप में और खेलो आईपीएल। अनिकेत मीना भाई कह रहे हैं कि माफी दे दो, नहीं चाहिए ऐसा एक्स फैक्टर जो एक मैच अच्छा 13 मैच खेले दूसरा अच्छा कर रहा है तो बाहर कर दो। उन्होंने कुछ बोला कि वाचिंग नो सपोर्ट, ऋषभ पंत गुस्सा भी हो गए थे, पार्शियलिटी मतलब भेदभाव तरीके से है वो तो है ही, दिख रहा है यार वही है। आप जो मैनेजमेंट है जो वहां पर कोच है उनको साफ तौर पर दिखता होगा ना तो खिलाड़ी के माइंड जोन के साथ चल रहा हो। और यार ये भी पता चलता है लग रहे घबराए हुए, ये भी पता चलता है कि अब पानी सरसों ऊपर निकल चुका है,
लेकिन आप क्योंकि एक जिद के साथ मानने को उनकी उनकी बातों से तो नहीं लग रहा राहुल के लिए खोए खोए से उनकी उनके लिए नहीं रहा। अभी देखो जब अभी जब आ रहे थे शुभमन गिल से बढ़िया हंसी मजाक टाइप चल रहा था, बट क्रीज में जब बैटिंग कर रहे होंगे तो थोड़ा सा वो घबराहट और आउट भी होने के बाद वो अब तो उन्होंने वो ज्यादा निराशा दिखाना भी कम कर दिया है। पहले तो वो जा रहे होते थे खुद से बात करते हुए और ये एक वो होना चाहिए ना यार चेहरे पे है ना वो। सिमरनजीत जी का एक सवाल यहाँ पर है, वो कह रहे स्पोर्ट्स एरी के उन सब्सक्राइबर्स को एडवाइस जो लोग पंत को बाहर के लिए सुपर चैट भेजते हैं, भाई अपने पैसे बचाओ, कॉस पंत 10 साल तक बाहर नहीं होंगे, पैसे बचाओ भाई। अभी ऐसी मानसिकता क्यों फैंस के मन में डेवलप हो रही है? कुछ तो वजह रही होगी, कुछ तो वजह है भाई। 65 मैच जो उन्होंने खेले ये सबसे बड़ी वजह थी। और देखो एक बात बताओ, जो जिस तरीके से उन्होंने बोली तो उनको भी ये पता है कि मेरे को इतनी बैकिंग है तगड़ी, वाइस कैप्टन है वही मैं कह रहा हूँ अब नहीं आएंगे वो, ठीक है वो अब तक खेल लिए इतना, मुझे नहीं लग रहा कि शायद अब आने वाले सीरीज में दिखेंगे वो। आप भी क्या बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश में आपको दिख जाएंगे T20 में। हाँ मैं T20 की बात कर रहा हूँ, T20 बट उनको एज एन ओपनर खिलाएंगे, ओपनर देखेंगे किस देख लिया भाई। अब भाई बाकी ओपनर से गलत क्या किया है, मुझे बस ये चीज जाननी है। नहीं तो T20 में आपका कौन, KL राहुल नहीं होगा या रोहित शर्मा नहीं होंगे? अब तो रोहित शर्मा मुश्किल लग रहा है उस तरीके से, हो सकता है KL राहुल भी ना हो, ऐसा श्योर थोड़ी है। पंत ऐसा क्यों नहीं, अभी 24 साल के जैसे अगर 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 24 साल के भी हैं खुद बता रहे हैं, तो जाके डोमेस्टिक में अच्छा करके आए ना फिर टीम में, सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये KL राहुल पर भी हम बोल रहे हैं, इंडियन क्रिकेट खेलने लग जाता है डोमेस्टिक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। जब रोहित अब KL राहुल के लिए भी बोल रहे हैं कि भाई अभी तो हमें उनका भी नहीं लगता कि T20 में सीधे डायरेक्ट जगह होने राहुल ऋषभ पंत की कौन सी जगह, इंडियन क्रिकेट राहुल डोमेस्टिक गए थे खेलने। हाँ तो ड्रॉप क्यों नहीं करती है T20 से करो ड्रॉप, मेरे को याद नहीं आ रहा युवराज ने बोला था या किसने बोला था, जब आप जब वैसे ये बड़ी सही बात थी कि जब आपको इंडियन क्रिकेट टीम के साथ आना जाना चलना उतरना का वो लग जाती है ना, जिनको सुनील जिनकी ऋतुराज गायकवाड़ ये सब लोग जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज हुई खत्म उस टाइम शायद मुश्ताक चल रही थी, अगले दिन सुबह रात को मैच खत्म होता अगले दिन सईद मुश्ताक में ओपन कर रहा है, कोई कोई बॉलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जिनको जगह की है जिनको पड़ी है वो जाके मारने 200-100 रन उनको ओपनर को खिलाएंगे 5 नंबर पर कि आइए बहुत बढ़िया आप करें यहाँ पर, तो वो तो खेलेंगे, जिनको नहीं करना वो नहीं करेंगे, वो नहीं खेलते, वो नहीं करते वहां पर। जैसे हम शिखर धवन के लिए कह रहे थे 2018 में, एक बात बताओ क्या कोई ड्रॉप करेगा? नहीं मैं KL राहुल को जब ड्रॉप किया गया खेला ना उन्होंने जाकर, मैं कह रहा हूं ऋषभ पंत को मैं कह रहा हूं ड्रॉप हो जाए या जो भी है उनको बोले कि नहीं अब आप आउट है, पंत तो कॉन्फिडेंट है नहीं, उन्होंने कोई अपील ही नहीं करी, वो तो बॉल लेकर आ गए लास्ट बॉल थी। अच्छा पंत नहीं है वो तो, नहीं दीपक चाहर इंटरेस्टेड थे अब तो फील्डिंग में भी नहीं। गुरकमल सिंह जी कह रहे हैं कि साइमन डूल स्पोक अबाउट संजू टुडे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही इज एवरेजिंग मोर देन पंत एंड ही इज स्टिल आउटसाइड अजय जडेजा वाज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स। तो भाई साइमन डूल ने खैर ये भी है उनका तो वो केन विलियमसन को नहीं छोड़ रहे थे, तेज तर्रार बोल रहे थे, केन विलियमसन को पकड़ लिया कि भाई क्या है ये कौन सा तरीका ये T20 में खेलने का, इंग्लैंड वाली वो इनिंग के बाद बोल और उसके बाद भी जब उन्होंने वो T20 सीरीज में नहीं थे जब उनको अपॉइंटमेंट था मेडिकल अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने बोला कि ये कौन सी मेडिकल अपॉइंटमेंट है भाई, पहले ही बता देते आप पहले नहीं रहते फिर वहां पर दूसरा खिलाड़ी आ जाता वहां पर, जो भी चीज रहती है आप पहले कन्वे करते आप मतलब उस तरीके से बात। मेडिकल अपॉइंटमेंट तो शिफ्ट भी हो जाती है, कौन सा वो ट्रीटमेंट था खैर जो भी है। ऋतु कह रहे हैं भाई लोग के 200 बनाएंगे फिर से आज, ओए यार ये क्या हो गया, वेट कर गया क्या दोनों ने एक दूसरे का? हाँ लग तो वैसे मतलब किसी को कैच हो ना हो बट किसी को तो डाइव के लिए जाना चाहिए, मैंने वो एक दूसरे के उसमें रह गए पास भी खड़े थे ऐसा लगा तो नहीं कि बहुत दूर है। आई थिंक जिनके राइट पर थी कौन थे, एक तो सूर्य थे शुभमन होंगे, तो शुभमन की अगर राइट पर थी तो वो थोड़ा सा लेफ्ट पे क्लोज थी तो शायद उन्होंने इसलिए डाइव नहीं करा क्योंकि उनका राइट पे बनता था, उसकी स्काई की थी है ना, मतलब ज्यादा पास स्काई की थी बट शायद उनको लग रहा होगा कि राइट हैंड पे शुभमन की है तो वो, बट उनसे मुझे लगा देखने पे कि थोड़ा सा अगर इजी शुभमन के लिए रहता इजी शायद सूर्य के लिए ज्यादा रहते, सूर्य का लेफ्ट हैंड रहता लेफ्ट रहती बट भाई स्लिप में आप तो ये थोड़ी रहते हो कि लेफ्ट की तरफ पकड़ते हो, स्लिप में आप इतनी कैचेस याद आपको वो होती है कि भाई लेफ्ट पे पकड़ना, स्लिप तो भाई गेम ही फिर वो रहती है ना, आप स्लिप में राइट लेफ्ट अगर आप हो तो दैट मीन्स आपको स्लिप में नहीं खड़ा होना चाहिए, अगर आपकी एक तरफ आप बोलो कि यार ये मेरी एकदम रिफ्लेक्सिस का ही वहां पर सारा खेल रहता है। अब कितना टाइम मिला, जितने में उन्होंने एक दूसरे को देखा चौका चले आ चुका था, तो वहां नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि अगर ऋषभ पंत मान ले ड्रॉप हो जाए या टीम मैनेजमेंट कर दे तो क्या उनके पास यही है कि मैं आईपीएल में तोड़फोड़ करूंगा तो टीम में आऊंगा? वो खेलेंगे भाई डोमेस्टिक, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, जाएंगे अपना खेलेंगे और नहीं जाएंगे तो फिर जो पैमाना जो नए खिलाड़ियों के लिए रखा था पिछली सिलेक्शन कमेटी ने जो आईपीएल में अच्छा करते थे कि भाई आईपीएल ठीक है डोमेस्टिक खेलोगे तो पिक करेंगे, नहीं ऋषभ पंत ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं मैं तो एक साल में आईपीएल खेल लूंगा और मैं फिर वापस आ जाऊंगा। यार जाएंगे खेलने, ड्रॉप करो ना, सब खेलेंगे जाके, सब खेलेंगे। शिखर धवन भी तो शिखर धवन अभी खेल ही रहे थे, हाँ वाइड बॉल तो खेल रहे थे, अय्यर भी खेल रहे थे, ये सईद मुश्ताक खेल रहे थे, सब कुछ खेल रहे थे, वाइड बॉल तो खेलोगे आप। आप वही है कि आप वो वाला जिगरा दिखाइए इन खिलाड़ियों को बाहर करने का, सब जाके खेलेंगे, कोई जिगरा नहीं दिखाते भाई।
दोनों के बिल्कुल बीचों बीच थी ये, स्काई की ज्यादा लग रही थी पता नहीं, इस एंगल से दिखाया तो ऐसा लगा दोनों के बीचों बीच एकदम कंफ्यूज दोनों। सुपर सही है कह रहे हैं कि मनोज भाई केन को बोल देते हो सबसे ज्यादा, कॉनवे ओवररेटेड लगता है, बंदा फॉर्म में है और ऐसा खेल रहा है। नहीं अभी फॉर्म में नहीं है भाई, अभी तो स्ट्रगल की हम बात कर रहे हैं, बट डेविन कॉनवे को भी बेहतर आना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, और हम तो यार किसी को देखो अब हम इंडियन प्लेयर्स पर बात करें तो हमें डेविन कॉनवे से क्या मतलब वो होगा कि यार नहीं कॉनवे की गुड बुक्स में रहना है। उनके तो हमने आलोचना करी उसके बाद भी जब वो स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हुए थे दो बैक टू बैक मैचेस में वर्ल्ड कप में, तब भी बात करी थी कैच उन्होंने छोड़ दिया, रन तो बनाना छोड़ो, पाकिस्तान के अगेंस्ट बाबर आजम का कैच छोड़ा था शायद उन्होंने, तो सारी बात करी थी और अभी भी वही कह रहे हैं फील्डिंग में छिटक रही थी बॉलें इनसे, मतलब कॉनवे का नहीं हो रहा, कॉनवे का नहीं चल रहा उस तरीके से बैट जो फ्लुएंसी हम एसोसिएट करते हैं कॉनवे के लिए, वो नहीं नजर आ रही है। उनके जो हाफ ओवर में कैच छोड़ दिया था ना बाबर का, हाँ हाँ पहले ही ओवर में, ऐसा लग रहा नहीं कब की बात है T20 वर्ल्ड कप, नहीं क्यों लग रहा कब वो T20 वर्ल्ड कप बहुत था कॉनवे ने कैच छोड़ दी थी, अभी क्या ही माहौल था तब, अरे वो कैच ले लेते तो मैच जीत जाते लोग, खुल जाता ना मैच। जसवीर कौर जी कह रहे हैं भाई इंडियन क्रिकेट टीम कैन नॉट बी लाइक ब्राजील ऑफ फुटबॉल, ऑल प्लेयर्स प्लेइंग एंड सब्स्टिट्यूट्स आर मैच विनर्स, वो लोग तो पूरे टाइम क्लब खेलते हैं देन वर्ल्ड कप। यार वहाँ का वो सिस्टम अलग है, सिस्टम में मतलब ये कि उधर तो चलो फुटबॉल का स्ट्रक्चर भी लग रहा है कि सब में भी बंदा आ जाएगा रोटेशन से अंदर, इतनी है यार आपकी डेप्थ होने के बावजूद उनको मौका ही नहीं मिलता, जो डेप्थ में खिलाड़ी हैं कई बार बहुत ज्यादा, पता है क्या हो रहा है लोग मतलब मैंने देखा कि बड़े सारे लोग पाकिस्तान से लिख रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन बोलिंग जब ऋतुराज ने रन मारे, तो भाई आपके बोलर्स को जब यहाँ पर इंडिया कूटती है ऊपर आके तो आपके तो सबसे, आप क्लेम करते हो कि सबसे तगड़े बोलर्स आपके हैं, आपके तो इंटरनेशनल, आप 8 में 28 आप देते हो उस तरीके से, बॉल बोल रहे हैं कि स्कूल में कॉलेज में खेल रहे हैं, ग्राउंड ऐसे हैं वैसे हैं, वहाँ मार रहे हैं बॉल, बॉलर उसका वो देख लो आप भाई, तो भाई रन तो रन है ना उस तरीके से भाई, यहाँ पे भी मार के ही आते हैं लोग आगे, डोमेस्टिक में ही मार के आते हैं ना, डोमेस्टिक हर जगह ऐसी होता है इंडिया जैसा डोमेस्टिक सेटअप हो जाए हमारा वो तो रो और दूसरी बात भी है ना रोहित, अगर आप अपने डोमेस्टिक में ऐसे परफॉर्मर्स को ऊपर लाकर नहीं लाओगे और वो ऊपर नहीं करें वैसे परफॉर्म, तो शायद दुनिया का ये परसेप्शन भी सही होगा कि यार ये ऊपर क्यों नहीं कर पाते हैं, वहां पर क्या लेवल है इनका, फिर भाई डोमेस्टिक में सूर्य मार रहे थे यहां भी आके मार रहे हो भाई, लाने वालों को बैक कहां करते हो आप, किसको आपने बैक कर, आप फॉर्मेट ही गलत खिलाते हो। सो वही हम जो उस दिन कह रहे थे कि ऋतुराज गायकवाड़ अब तक 10 T20 खेल चुका है और एक ओडीआई खेला उसने, कौन था तो वो चीज आपको आज भी बड़े नाराज हो गए यार वो तैर गए क्या सुंदर थे कौन थे वहां पता नहीं जज नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बड़ी देर तक ए टाइम अच्छा खासा था, यूजी तो नहीं थे, अरे यूजी नहीं थे लंबे चौड़े खिलाड़ी थे कोई, सुंदर थे पता नहीं, लंबा चौड़ा कौन लग रहा है भाई तुम्हें, सुंदर ही है यार मैं बोल रहा हूं, कुछ तो दिक्कत हुई साइड नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ, ये क्या 5 फुट के हैं, ये लंबे चौड़े हैं अच्छे खासे, 6 फुट के भी अच्छा, क्या बोल रहे आप थोड़ा उसको पढ़ के बताइए, मैं ध्यान नहीं गया यार उतना यार, मतलब पता क्या होता है कि धीरे धीरे फिर ना वो गुस्सा हमें भी आने लगता है यार, अब फिर मन नहीं करता गुस्से में रहने का, बट चीज़ें ऐसी होती है क्योंकि भाई हम तो इंडियन क्रिकेट के लिए बैठे हैं ना, अपनी क्रिकेट को बेहतर जो देखना चाहते हैं, जो चीज़ें होने चाहते हैं, अब देखो सुंदर को मिस किया ना हम लोगों ने, सुंदर फिट होते तो ना अश्विन आते ना वो सारी चीज़ें होती ना कुछ बहुत ज़्यादा बैटिंग कर देते आपको, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करके देते आपको, 4 ओवर तो बढ़िया आते वहाँ पर, अरे यार बैटिंग में ऐसे नीचे कर देते यार T20 में मजा ही आ जाता। ऋतुराज सिंह जी कह रहे हैं ओडीआई में क्यों ड्रॉप करना है पंत को, 2 मैच पहले 100 था, संजू लिस्ट्री नंबर खराब, 11 मैच में 2 ही 50 हैं, बस मीडिया प्रेशर मिक्स फॉर्मेट्स, पर ये 2 मैचों के अलावा उनका जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, मैं कह रहा हूँ संजू को नहीं केएल राहुल को खिलाओ वनडे में, जैसे अगर आप उनको आपको उनके नंबर से याद आ रहे हैं ऋषभ पंत के, तो आप केएल राहुल के नंबर से याद करते हो, केएल राहुल को खिलाओ वनडे में, उसने परफॉर्म कर रखा है, उसने अच्छा किया है, ये किसी ने थोड़ी बोला कि संजू सैमसन, किसी ने बोला यहाँ पर कि ऋषभ पंत की जगह वनडे में संजू सैमसन ही खेलने चाहिए, आई डोंट थिंक हम में से किसी ने ये चीज़ कही है। दूसरी बात ये कि उनकी 2 मैच पहले 100 आया था, बट ये कि उसके बाद थोड़ा सा अगर फेलियर्स ऐसे ही चलते रहे तो क्या फिर ये गिनते रहेंगे कि 5 मैच पहले 100 था, 6 मैच पहले 100 था, हमने तो नहीं बोला लेकिन टीम ने तो खिलाया ना, टीम तो खिला रही है, हमने नहीं बोला टीम तो खिला रही है, और मिक्स फॉर्मेट्स तो भाई हम तो भुगतने वाले हैं मिक्स फॉर्मेट्स वाली बात, हम तो बोल बोल कर बात बोल बोल कर थक गए थे। इजाजत लें फिर, बहुत भाई उनके साथ यही हुआ था, उनका शतक आया था, सवाल शतक आया था, इसी वजह से फिर T20 में भी चले गए थे वो, हाँ कि T20 में भी अब कर दे, उस टाइम हमें ये उम्मीद हुई वो ना उसमें T20 से बाहर हो रहे थे, पर वो शतक की वजह से वहां बच गए वो, उधर वो इंग्लैंड में शायद ओपन कर रहे थे वहां पर, वेस्ट इंडीज ने भी एक मैच शायद ओपन किया था, ओपन किया पहले भी शायद 27-27 रन मार दिया था उन्होंने, उसके बाद से फिर 27 तक भी नहीं पहुंच पाए किसी में, तो फिर क्या है यार नाश्ते का आप कह रहे थे ये और वो,
भाई क्या लग रहा है, मतलब यहाँ से कुछ वापसी होगी? बहुत मुश्किल है यार। खैर मैं घर वापस जा रहा हूँ। ऐसी क्रिकेट भाई, ऐसा लग रहा पहली इनिंग देख के कि यार पता नहीं क्या ही खेल रहे हैं यार, 10 ओवर तक तो समझ ही नहीं आ रहा था। उमरान आया यार, कुछ ओवर्स देख लो सुनील उमरान के भी, क्या पता यही ले जाएं, पिछले मैच में ले गए थे। इस विकेट पे तो उनको और ज़्यादा बढ़िया मदद मिलेगी। अब अभी देखो हमने रन उन बनते 300, 300, 350, फिर दूसरी टीम चेस भी कर जाए तब भी मतलब थोड़ा मजा तो आता है देखने में। आप 200 बना रहे हो, 220 भाई, भाई वनडे क्रिकेट का पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा सच में। 40 ओवर कर दो, 40 क्यों करना, फिर बंद ही कर दो। बैटर्स को बोलो अच्छा खेलें भाई, 40 ओवर फिर भी यार ज्यादा है, मतलब जो अच्छे भी गेम हो रही है वनडे, कुछ कुछ ओवर अच्छा लग रहा है। न्यूजीलैंड ने 300 चेस करे उस दिन, हाँ। कितना रोमांच आपको मजा नहीं आया? नहीं आया क्या लगा उसमें? लेथम की बैटिंग देख के तो मजा ही आया, बैटिंग देख के मजा आया, ठीक है अच्छी बैटिंग करी, बट वो वैसा मैच जो T20 मैच का सपोर्ट, क्योंकि रोमांच ही नहीं है ना, क्योंकि आप मारी खाए जा रहे हो, उसमें से आता कोई केन विलियमसन को उड़ा देता। 70 for 4 भी तो हुए, मतलब सॉरी जो 70-80 पर जितने भी थे वही मैं कह रहा हूं ना कि मतलब अच्छा मैच समय होता था कि 70 for 4 के बाद जब इस तरीके से टीमें बचा के ले जाती थी तो मजा आता था भाई, लेथम की बैटिंग देख के तो मजा ही आया। धीरे धीरे देखो आप स्टैंड्स में मतलब क्राउड में लोग वनडे में कम हो गए हैं। क्राउड का तो वही है ना, क्राउड का तो यही है कि जैसे ही आप उन्हें एक ऐसा फॉर्मेट दोगे जो कंप्लीट है और टाइम थोड़ा सा वो कम कंज्यूम कर रहा है तो वो तो उसी की तरफ ऑप्ट करेंगे। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि ओडीआई क्रिकेट में अब मजा नहीं आ रहा है, मतलब अच्छे गेम्स आपको अभी भी देखने को मिल रहे हैं, T20 भी कभी कभी बोरिंग लगता है भाई। सो आयरलैंड की टीम थी ना, वो नीदरलैंड दोनों को खेला था उन्होंने, हाँ तो ओडीआई जिसमें 350 बन रही थी, दूसरी टीम भी चेस कर रही थी वहां पर, मतलब करीब पहुंच जा रही थी, न्यूजीलैंड चेस कर रही थी ना 300-320 रन, वो अच्छी हुई थी। उसके अलावा आसपास उतनी बढ़िया सीरीज नहीं हुई ओडीआई के भी। मुझे तो वेस्ट इंडीज वाली भी जिसमें वेस्ट इंडीज 6 रन से जीत रही है, सॉरी 6 रन से हार रही है, तो बीच में जो पीरियड होता है जहां पर कंसोलिडेशन या फिर इस तरीके की चीजें चलनी है, आप उस तरीके से नहीं वो करते हो जो पहले रहता था ना, एक एक बॉल देखकर पूरे सब लोग इंटरेस्टेड रहते थे और ये वो सारी चीजें होती थी। पेस तो बहुत ज्यादा नहीं लग रही है इनकी, दो एक्स्ट्रा हो गए शायद, दो वाइड। अब वो ये कि अब वर्ल्ड कप भी है तो इस बार तो सारे मुकाबले अहम रहेंगे उस तरीके से। वही ना, सब वही है, शुरुआत में आप देखिए इंग्लैंड कितनी बोरिंग सीरीज वही हुई, उसके बारे में लोग कह भी रहे हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, हाँ कितनी बोरिंग सीरीज थी, वो रन वहां पर भी बन रहे थे, कोई मतलब दर्शक ही नहीं थे वहां पर। वो तो वर्ल्ड कप में ही नहीं रहे तो वहां क्यों आएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले तो आना ही बंद कर दिया उन्होंने, तो वर्ल्ड कप में भी नहीं आए, वरना मेलबर्न उस दिन आउट ऑफ कैपेसिटी चला जाता इंडिया पाकिस्तान के मैच में, उस मैच में ऑस्ट्रेलियंस थे ही नहीं, सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान। जो ओडीआई सीरीज हुई थी वहां पर मैच तो मतलब सही रहे, सीरीज तो सही थी, बट थोड़ा सा वो या तो हो सकता है ना कि T20 की भाई अब ओवरडोज भी हो गई है, T20 ज्यादा मिल रहा है आपको, बहुत ज्यादा। आईपीएल इंटरनेशनल को हटा दो, उसमें आईपीएल भी है तो वो सारे मैच देखकर आपको उसी में वो लोगों ने वही जो किसका बयान था कल, नाम भूल गया उनका, माइक कोई वॉन थे जैसे था जो भी ऑस्ट्रेलिया के ही स्टीवा शायद, हाँ उन्हीं का बयान था कि भाई वो कह रहे हैं कि अब लोग ओवरडोज वाली ही बात कर रहे थे कि इतना ज्यादा क्रिकेट हो रहा है कि लोग देखेंगे ही क्यों, T20 है दुनिया भर का, T10 चल रहा है, T20 चल रहा है, तो लोग ऑलरेडी पेट तो उनका उसी से भर जा रहा है। पहले होता था कि मुकाबले कम होते थे, खिलाड़ियों को भी लोग मतलब जुड़ाव महसूस, अब तो चेंज भी खिलाड़ी भी रहते हैं, इतना मैच है इसमें ब्रेक ले रहा है, अगले में कोई दूसरा खिलाड़ी आ रहा है। अभी आने वाला सीरीज भी बांग्लादेश से, वो भी मतलब वहां भी क्या ही रोमांच आएगा बांग्लादेश वाले में भी, वहां रोमांच तभी आ सकता है कि अगर बांग्लादेश बढ़िया कर जाए वहां कुछ तो थोड़ा सा शायद रोमांच आए। लिटन दास सबको याद रहेंगे बस, आपको हराया था ना उन्होंने MS की कैप्टनसी के अंडर, सीरीज हरा दी थी आपको। अच्छा वो हो सकता है मतलब पाकिस्तान और ये इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज भी, हाँ वो बढ़िया रहेगी, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज वाली भी ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, वो टेस्ट सीरीज चल रही है अभी। और टेस्ट क्रिकेट में फिर भी आप मतलब भाई देखो जिक्र होता है ना, बात हो रही है, कहीं वनडे चल रहा होता है किसी का उतना वो नहीं आपको। टेस्ट हुआ था श्रीलंका पाकिस्तान वाली भी टेस्ट, जिसमें बाबर की उपारियां थी, मतलब मुश्किल समय में पारी थी, उसके अलावा उनकी तरफ से जो खेल रहे थे चंडीमल की पारी थी, वो बढ़िया मुकाबले हुए थे वहां पर। उनके ओपनर का नाम क्या था, अब्दुल्ला शफीक, हाँ, भी बढ़िया बना रहे थे ऊपर से।
ग्रेट फील्डिंग एफर्ट बाय यार हो जाते हैं मिस फील्डिंग क्या है उसमें यार ये फिर एलन थोड़ा पुराने जमाने के वो अंग्रेज टाइप लगते हैं नहीं जो पुलिस पुलिस में रहते थे ऐसा इनको देख के लगता है क्यों इंस्पेक्टर कैप्टन स्मिथ दिखाइए क्या है आपका कैप्टन स्मिथ ये मार्टिन गप्टिल की जगह इनकी पर्सनैलिटी बनी की तरह ही है हाइट है पॉइंट पे फील्डिंग करते हैं फील्डिंग भी ठीक है इनकी भाई वहाँ पे कंबल लेकर आ रखा है पूरा मैं ठंड ज्यादा हो गई वहाँ ये तो गया भाई चौका है न्यूजीलैंड समर है नहीं समर नहीं है भाई ये ऑस्ट्रेलियन समर तो चल रहा ऑस्ट्रेलियन समर शुरू हो गया तो वही बगल ये तो बताओ यार अब क्या बगल में ही तो है नाश्ते में क्या करवा रहे हो ये सब हो गया समर उमर की बातें बहुत यार तो वही बात आज रात तक रुकना है भाई आपने आपकी अर्जेंटीना खेल रही है आज रात 12:30 बजे अर्जेंटीना है भाई सुबह तुम गर्दन हिला दे भाई मेरे को जाना है झांसी सुबह तुम्हारा जाना है यही से निकलना है भाई घर वाले भी हैं साथ में तो घर वाले यहां से जाना पिक करना और जाना हमेशा का यही रहता है यार थोड़ा यार अर्जेंटीना को छोड़ दोगे क्या आप यार भाई ये तो एक्सपेक्टेड मेसी मैजिक आप पहला हाफ तो कम से कम देख के जा दिया ना मैसी पहला हाफ तो कम से कम देख के जाओ मैजिक मैसी मैजिक चल गया चलो एक हाफ तो बहुत यार ये बढ़िया बात है अरे बात हो गया गुड डील साइन हो गया रन जो है चाहिए उस तरीके से बढ़िया किया है मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल से बढ़िया बढ़िया इनको इस्तेमाल कर सकते हैं टीम का आधा तो यही कर देते हैं अंकित ये भी अंकित बाव ने इन्होंने भी 172 या कुछ 82 करा था एक मैच में जब ऋतु नहीं थे तो इनकी तरफ से बढ़िया आ रहा राहुल त्रिपाठी ने कभी किए थे इन्होंने भी करे ये डोमेस्टिक खेल के साथ अजीम काजी आएंगे वो भी बढ़िया फॉर्म में है अभी अजीम काजी तो नीचे आते हैं अब आ जाएंगे ना इसी टाइम पर आ जाएंगे भी इतने रन हो गए कि असम को वही कुछ करना पड़ेगा पिछले वाले जैसा बट ये देखो पिछले मैच में कितने रन थे वहां पर शुभेंदु भाई 312 या 22 थे शायद यूपी वाली गेम में वो हमने देखा ना वहां पर 330 हां कि किस तरीके से वो मैच ऑन था बिल्कुल एक ही बंदा आरएन जवार मार रहे थे वहां से अजीम काजी और ग्राउंड भी छोटा है हां सुनिए फिर क्या नाश्ते में क्या है देखते हैं आप इजाजत तो लें चलें भाई चलिए इजाजत लेते हैं मार ही खाए जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें इसका भी मिड इनिंग्स में आएंगे जो चल रहे हैं मुकाबले सेमीफाइनल मुकाबले उसके साथ जुड़ेंगे अपडेट के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है sportsairy.com जो हमारी वेबसाइट है वो विजिट करनी है कोई भी फीडबैक हो हम तक पहुंचाना है सिनेमा बीस्ट को भी सब्सक्राइब करना है और स्पोर्ट्स एरी को सोशल मीडिया पर फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम हर एक जगह फॉलो करना है और दन दनाता हुआ चौका बढ़िया ही आया कॉन्वे के कंट्रोल वाला अभी लेते हैं हम इजाजत जय हिंद जय भारत पहले वाला भी